السلام عليكم ورحمة الله لا حول ولا قوة إلا بالله حسبنا الله ونعم الوكيل يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين ربنا آتنا لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا اللهم صل على محمد وعلى ال محمد واصحاب محمد وازواج محمد وامه محمد اجمعين الى يوم الدين امين الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على سيد الانبياء والمرسلين وعلى اله واصحابه اجمعين الى يوم الدين الحمد لله اج उनतीस अक्टूबर 2023 को संडे के दिन हमारा ये पब्लिक सेशन नंबर 118, 118 होगा आपके ये रियल टाइम क्वेश्चंस जो हैं वो पर्चियों की शक्ल में मेरे पास आ चुके हैं इनशाला इन्हें हम बाद में डिस्कस करेंगे पहले आज एक क्रिटिकल टॉपिक के तौर पर क्योंकि आजकल आपको पता है फलस्तीन और इसराइल का इशू चल रहा है उसकी वजह से पिछले मुसलसल तीन लेक्चर जो है मेरे इसी से रिलेटेड हुए थे इसी कॉन्टेक्स्ट में पिछली दफा हमने द जाल के ऊपर काफी तफसीली गुफ्तु की थी तो उसी वीडियो में चूंकि मैंने पुरानी किसी वीडियो का रेफरेंस दिया था तो बाद लोगों ने कॉमेंट्स में यह लिखा कि ईसाब ने मरियम अलहमसलाम के टॉपिक को भी एक दफा दोबारा से एड्रेस किया जाए तो ये फीडबैक जब मुझे दी भाइयों ने तो मैंने कहा चलें आज का जो हमारा स्पेशल टॉपिक है वो हम इसी पे रखते हैं ऑलरेडी मैंने इसके ऊपर काफी तफसीली वीडियोस मुख्तलि औकात में रिकॉर्ड करवाई हैं लेकिन चूंकि अब एक माहौल बना हुआ है इस हवाले से तो माहौल के अंदर एक आम आदमी का इंटरेस्ट भी बात को सुनने के एतबार से ज्यादा होता है एज कम्पेयर टू आम हालात तो वाक़ात के सयदा ईसा इबन मरियम अलसल अल्लाह तला के एक यूनिक पैगम्बर हैं जो एक्स्ट्रॉर्डनी क्वालिटीज अल्लाह तला ने ईसा इबन मरियम को दी हैं वो किसी और पैगंबर को नहीं दी लिहाजा ये जस्टिफाई था किसी हद हाँ तक आजमाइश के तौर पर कि उन्हें खुदा का बेटा मान लिया जाता जाहिर अल्लाह तला आजमाइश फिर किसी ऐसी शख्सियत के जरिए करेगा ना जिसे गैर मामूली सलाहियतें दी हों ऐसी हस्ती कि जिसको अल्लाह ताला ने बगैर बाप के पैदा किया और सूर्य मरियम में फरमाया कि हम तुम्हें और तुम्हारी औलाद को सैयदा मरियम को फरमाया कि जहान वालों के लिए निशानी बनाने वाले हैं उसके बाद सूर्य मरियम में ही आया कि उन्होंने शीर खारगी की उम्र में कलाम किया कि मैं अल्लाह का पैगंबर हूं उसने मुझे किताब दी है और मुझे अपनी वालदा के साथ उसने सलूक करने वाला बनाया है सलाम हो उस दिन पर जिस दिन मैं पैदा हुआ जिस दिन मैं मरूंगा और जिस दिन दोबारा उठाया जाऊंगा तो ईस अपने ने मरियम की पैदाइश भी मोजाना बचपन में ऐलान नबूत करना शीर खारगी की उम्र में जब दूध पीता बच्चा है बिल्कुल न्यू बॉर्न बेबी और उसके बाद फिर जो मोजात अल्लाह तला ने दिए कि अंधों को अल्लाह तला के इजन से शिफा दे देते थे इसी तरीके से जो कोड़ी के मरीज थे उनको शिफा दे देते थे Allah के इजन से सूरत मददा में सूर मरियम में सूर्य आल इमरान के अंदर यह तीन मेन सूरतें हैं जिनमें ईसाब ने मरियम का तफसीली जिक्र आया वह आप खुद भी पढ़ सकते हैं और सबसे बढ़कर मट्टी की मूरत में फूक मारते थे तो वह परिंदा बन जाती थी अल्लाह के इजन से और मुर्दों को जिंदा कर देते थे अल्लाह के इजन से अब ये क्वालिटीज़ किसी और पैगंबर को अल्लाह ताला ने नहीं दी यहां तक के फरमाया कि हम मिन वो अल्लाह की रूह है इसी की वजह से बाल लोगों ने धोखा खाया और उन्हें खुदा का बेटा कह दिया हालांकि अल्लाह तला ने ईसा साब ने मरियम का स्टेटस बिल्कुल क्लियर किया कि वो अल्लाह के बंद है सूर्य इमरान की शुरू किया याद का टॉपिक ही यही है बहरल जिस शख्सियत के साथ इतने एक्स्ट्रॉर्डनरी चीजें जुड़ी हों तो इंसानियत ने फिर उनके बारे में यही क्लेम करना है कि कम अज कम इन्हें खुदा का बेटा मानो या फिर खुदा क्लेम कर दो और ये दोनों अकायद उनके साथ लोगों ने मंसूब किए कैथोलिक का अकीदा है कि वो खुदा के बेटे हैं और प्रोटेस्टेंट का अकीदा है कि वो ईसा इब्ने मरियम खुद अल्लाह हैं जो कि इंसानी शक्ल में ज़मीन के ऊपर आ गए वोले आदुबिल्ला और अल्लाह तला ने दोनों अकीदों का रद्द किया है बड़ी तफसील के साथ सूर्यमरान में और सूरत में तो जिस शान से डिस्कशन हुई है वो तो अपनी नोयत की एक यूनिक डिस्कशन है लक़दफर कलुनसी मरियम बेशक वह लोग खुला कुफ्र कर रहे हैं कि जो कह रहे हैं कि ईसैबन मरियम ही अल्लाह हैं कौल मसीह जबकि मसीह तो खुद ये कहा करते थे या बनी इसरा ओलाद याकूब उल्ला रब्बी व रबा इबादत करो उस रब की कि जो मेरा भी रब है और तुम्हारा भी रब है इन्न हूं मैं युषरक बिल्ला याद रखना बेशक जिसने अल्लाह के साथ शिरक किया लकद हर अल जन्ना अल्लाह ताला ने ऐसे शख्स पे जन्नत हराम कर दी है और उसका ठिकाना है जहन्नम की आग अंसार और ऐसे शख्स का क्यामत के दिन कोई मददगार भी नहीं होगा जो इस किस्म का अकीदा वाबस्ता करेगा इससे ज्यादा तो बेहतर अंदाज में समझाया नहीं जा सकता था फिर आगे चल के फरमाया लकदर कलू इन अल्लाह वो भी काफिर हैं जो कह रहे हैं कि अल्लाह तीन में से एक है यानी वो कहते थे कि उस वक्त ट्रिनिटी ये थी कि तीन खुदा हैं, अल्लाह सैदा मरियम और सदा मरियम आज की जो ट्रिनिटी है उसमें सईदा मरियम को तो साइड पे करके उन्होंने होली गोश्त को दाखिल कर दिया है सईद जब्राइल इस्लाम बल ट्रिनिटी आज भी उस तरीके से मौजूद है फिर आगे चल के अल्लाह फरमाया कि मसीह अबन मरियम अला रसूल ईसा इबन मरियम तो नहीं थे मगर एक रसूल. قبله रसूल उनसे पहले भी रसूल गुजर चुके हैं उनकी मां एक सच्ची औरत थी काना दोनों खाना खाया करते थे दोनों रोटी खाने के मोहताज थे देखो हम अपनी आयात किस तरह खोल खोल कर बयान कर रहे हैं और फिर इनकी तरफ देखो किस तरह ये उल्टे पड़े जाते हैं क्या तुम ऐसी हस्तियों को अल्लाह के सिवा पूज रहे हो कि जो ना तुम्हारे नुकसान के मालिक हैं ना नफा के मालिक हैं और अल्लाह ही सुनने वाला और इल्म वाला है यानी इसमें वाज अकीदा अल्लाह तला ने बता दिया कि ईसा ने मरियम और उनकी मां मिंदून ला भी हैं इस एतबार से कि अल्लाह के मुकाबले पर लोगों ने उनको खड़ा किया लिहाजा ये भी एक ढकोसला जो था बाज फिरकों का कि मिंदून से मुराद सिर्फ बुध हैं वो भी खत्म हुआ नंबर टू ना सिर्फ उनकी परस्तिश की नफी की बल्कि साथ ये कहा कि ये तुम्हारे नफे नुकसान के मालिक भी नहीं है लिहाजा उन लोगों का भी दरवाजा बंद हो गया जो ये कहते थे कि हमें हम और क्रिश्चियंस में यह फर्क है कि क्रिश्चियंस जो है वह अल्लाह के पैगंबर की इबादत करते हैं उसकी मां को पूजते हैं हम तो अलिया अल्लाह और अंबिया की इबादत नहीं करते हम तो उन्हें अल्लाह का बंदा मानते हैं तो इस पे मैंने कहा था ना आगे चल आगे लिखा हुआ है कि ना वो तेरे नफे के मालिक हैं ना नुकसान के और कितनी आप समझ लें वो हमारे डॉक्टर सार साहब इसके लिए वर्ड यूज करते थे नंगी बात बिल्कुल खुली हुई बात कि वो रोटी खाने के मोहताज थे भाई अगर ईसा अपने मरियम और उनकी माँ रोटी खाने के मोहताज है और वो किसी के नफा और नुकसान के मालिक नहीं है तो सरकार बाबे थे शाही कोई नहीं बिल्कुल कुरान की हर आयत से यही रिजल्ट निकलता है कि बाबे थे शाह कोई नहीं ईसा के जैसा है हाँ कोई नहीं तेरे बा थे शाय, शाय, शाय कोई नहीं अगर ईसाब अपने मरियम को अल्लाह ने सेंटर्ड किया तो सिर्फ इसलिए कि आपके सामने ये मुकदमा बिल्कुल वाज हो जाए कि अगर ईसाब ने मरियम जो उल अज़म पैगम्बरों में से हैं, पांच है अज़म पैगम्बर कुरान में रिपोर्ट हुए अहज़ाब में सूर अशूरा के अंदर मोहम्मद रसूल सलम इब्राहिम खलील मूसा कलीम नूह नजीला और ईसा रूह अलहलाम अजमाइन उनमें से एक हैं अगर उनका ये स्टेटस है कि वो रोटी खाने के मोहताज हैं किसी के नफा नुकसान के वो मालिक नहीं है तो सरकार बाकीयों को तो आप छोड़ दें और फिर सूरत ही में अल्ला ताला ने जितने सख्त अल्फाज के अंदर इस टॉपिक को अड्रेस किया है लकत कफर कल्लाबन मरियम बेशक वो खुला कुफर कर रहे हैं कि जो कह रहे हैं कि अल्लाह ही ईसा इन मरियम है नाउजबिल्ला शई आ आ बाही कोई नहीं ये अरबी से लफ्जायब है इनसे फरमाओ अल्लाह का कोई क्या बिगाड़ लेगा अगर अल्लाह इरादा करे कि ईसा ने मरियम को उनकी मां को और जितने जमीन में है सबको हलाक कर दे इन सारे बाबे फारे तब भी अल्लाह को कोई पूछ नहीं सकता तो यहां पर अल्लाह तला ने तोहीद को फिर इस्टैब्लिश किया गुस्सा था क्रिश्चियंस पे सेंटर्ड किसे किया ईसा ने मरियम को क्योंकि अल्लाह ताला को तो कोई आर नहीं है यह कायनात उसने इसलिए नहीं बनाई है कि उसके पैगम्बरों को खुदा मान लिया जाए जब तौहीद समझाएगा अल्लाह ताला फिर इसी तरीके से समझाएगा कि अगर अल्लाह ईसा उसकी मां और सबको हलाक करते अच्छा विसाल शरीफ भी नहीं फरमाया वफात शरीफ भी नहीं हलाक का लफ्ज है सिर्फ यह बताने के लिए कि खालिक और मखलूक में कितना फर्क है यह है सरकार रहमानी तोहीद और एक है शैतानी तोहीद शैतानी तोहीद यह है कि अंबिया को औलिया को बुजुर्ग बाबों को अल्लाह के मुकाबले पर खड़ा कर दो खा उनकी तालीमात ना भी हो तब भी उनको खड़ा कर दो अल्लाह के मुकाबले पर फिर जाहिर है कि जब इस तरह का मामला होगा फिर इस लेवल पर उतर के अल्लाह तला समझाएगा कि ईसा को खुदा माने में हो अगर अल्लाह ईसा को उसकी मां को सबको हलाक कर दे अल्लाह का कोई क्या बिगाड़ लेगा तो फिर इस लेवल पे उतर के बात को समझाना पड़ता है और देखें सईदना उबकर सदीक रजी अल्लाह तुने किस तरीके से अकीदा उम्मत को दिया कि इस्लाम की मैयत के ऊपर जब उन्होंने खुतबा दिया है हम सलाद के बाद सही बुखारी में कम अज कम चार जगह यह खुतबा आया है तो आयात बाद में पढ़ी है पहले उन्होंने अपनी तरफ से एक जुमला बोला जो ना कुरान में था ना हदीस में था जिस तरह मेरे ऊपर ये इतराज़ करते हैं ना इंजीनियर साहब ये जुमले क्यों बोलते हैं हजरत उब्बकदीक ने भी खुद जुमले बोले हैं शारे तो नहीं थे वो वो भी नबीलाम के सहाबी थे बहरा उम्मती थे फालो तो उन्होंने भी दीन को ही करना है अला मन का मुहम्मदन मोहम्मद मोहम्मद आगा हो जाओ जो भी तुम में मोहम्मद की इबादत करता था वो जान ले के मोहम्मद मर गए विसाल फरमा गए वफात फरमा गए कोई अल्फाज नहीं हालांकि ये भी अरबी के अल्फाज थे उनको किसी ने नहीं कहा जी कुरान में लिखा है शहीद जिंदा है उन्हें पता था वो बात और है ये बात और है दुनिया से मर चुका है शहीद भी अल्लाह के हजूर जिंदा है कुरान में आया दुनिया में अगर जिंदा है तो उसकी बीवी फिर क्या दोबारा निकाह करके जिना कर रही होती है भाई मर चुका है इसीलिए वो किसी और मर से शादी करती है अल्लाह के हजूर जिंदा हां हा, नबी की बीवी इसलिए नहीं करती है कि वो उम्मत की मां है इस वजह से नहीं कि नबी आखिरत में जिंदा है इस वजह से कि वो उम्मत के बाप हैं और उनकी बीवियां माए हैं इसलिए अल्लाह तला ने वहां पर यह वाला मामला खत्म कर दिया नबी बिली अनफुसिम वजवा जहु उम तुह नबी मोमिन की जानों से बढ़कर उन पर हक रखते हैं नबी की बीवियां उम्मत की माए हैं और फिर सूरत में आगे चल के आया कि अल्लाह तला के नजदीक ये बहुत बड़ा गुना है कि नबी की वफात के बाद तुम उनकी बीवी के साथ शादी करो ये अल्लाह तला ने एक ऑनर के तौर पर किया लेकिन दूसरी तरफ हजरत जाफर तैयार शहीद हुए गजवा मूता के अंदर हजरत अली के भाई उनकी बीवी असमा बिनते उमैस उनके साथ अजरत बकर ने शादी कर ली हालांकि जाफर वो हैं जिनका नाम जाफर तैयार है बुहारी में है कि अल्लाह तला ने उन्हें जन्नत में दो पर दिए हैं उनके बाजू कट गए थे उससे वो उड़ते हैं जन्नत में यानी कन्फर्म जिंदा और बीवी ने निकाह कर लिया अजरत अबू बकर के साथ उनसे मोहम्मद बिन अबी बकर पैदा हुए फिर अबू बकर भी फौत हो गए फिर उसी औरत के साथ हजरत अली ने निकाह कर लिया और मोमद बिन अबी बकर की परवरिश की और जाफर तैयार का जो बेटा था अब्दुल्ला बिन जाफर उसकी भी परवरिश की बल्कि उनको तो अपनी बेटी जैनब भी दे दी तो ये मैं बता रहा हूं कि अगर शहीद जिंदा है तो ये क्या आगे चल रहा है सारा मामला तो वो जिंदगी अल्लाह के हजूर है तो हजरत अबू बकर ने एक फर्जी जुमला बोला जो भी में मोहम्मद की इबादत करता था जान ले मोहम्मद मर गए या अब्लाह और जो अल्लाह की इबादत करता था वो जान ले अल्लाह ताला जिंदा है उसे कभी मौत नहीं आएगी किसी ने नहीं खड़े होकर कहा कि हजरत ये कौन सी आयत है ये कौन सी अधिसीस है ये आप अपनी तरफ से बातें कर रहे हैं किसी की जरूरत नहीं थी उन्हें पता था कि हजरत बकर जो कुछ कह रहे हैं ये अकीद है अपने अंदाज में बयान कर रहे हैं वो क्योंकि इंसानियत ने सबसे बड़ा शर्क ईसाब ने मरियम के नाम के ऊपर देखा है इस वक्त भी बुत बुधप्रस्त नब्बे करोड़ है और क्रिश्चियंस जो हैं दो अरब से ज्यादा हो चुके हैं इस वक्त भी सबसे बड़ा शिरक एक पैगंबर के नाम पे हो रहा है पैगंबर का कसूर नहीं है उनके मानने वालों का लेकिन नबी इस्लाम ने क्या फरमाया सही बुहारी में देखना मेरी शान को उस तरह बुलंद ना करना जिस तरह नसारा ने ईसैब ने मरियम को बढ़ा दिया मैं अल्लाह का बंदा और उसका रसूल हूं मुझे अल्लाह का बंदा और उसका रसूल कहना ये चीज थी हजरत अबू बकर के सामने तो जनाब अजू बकर सदीक ने एक फर्जी जुमला बोला किसी से ने नहीं कहा कि हजरत हमें कौन रसुल्ला की इबादत करता है आप मुसलमानों पर कलमा को मुशरक होने का फतवा क्यों लगा रहे हैं इन्होंने तो यही कहना था ना ये सब कुछ कहने के बाद उन्होंने आयत पढ़ी मैं तो बड़ी इत्याद करता हूं पहले आयत पढ़ता हूं फिर अजीज पढ़ता हूं फिर कहता हूं बाबे शाही को नहीं लेकिन अजहर बकर ने पहले अपना जुमला बोला कि जो मोहम्मद की इबादत करता था जान लेके मोहम्मद मर चुके और जो अल्लाह की इबादत करता है वो जान लेके अल्लाह ताला जिंदा है उसे मौत नहीं आएगी फिर कहा कि कुरान में आयत है वमा मुहम्मद रसूलत ही रसुल तुम अला मोहम्मद तो नहीं मगर एक रसूल अगर ये मर जाए या कतल हो जाए तो क्या तुम दीन से उल्टे कदम फिर जाओगे यानी नबी इस्लाम पे तो एहसान नहीं किया ना तुमने तुमने अपनी आगरत के लिए कलमा पढ़ा फिर पढ़ा इन का मै ये तुम इन मई तुम तुम्हें भी मरना है तुम्हारे मुखालफिन को भी मरना है और फिर तुम अल्लाह के हजूर क्यामत के दिन झगड़ा करोगे अल्लाह तला फैसला कर देगा आयात बाद में पढ़ी अकीदा पहले दिया तो लोग हमसे पूछते हैं कि जनाब इंजीनियर साहब के दिमाग में बातें कहां से आती हैं भाई इंजीनियर साहब हजरत अबू बकर बकरी के मानने वाले हैं रजी अल्लाह तुम जब तुम कहोगे कि बब्बे ने समुंदर रोका हुआ है तो फिर इंजीनियर क्यों ना कहे कि बड़े से बड़ा कोई इंसान हो अपना पेशाब नहीं रोक सकता समुंदर रोकना तो दूर की बात जब कोई शख्स गुमराई फैलाता है ना तो उसके मुकाबले के ऊपर काउंटर नैरेटिव इसी तरीके से खड़ा होता है मैं आज आपको बड़े वसूख से कहता हूं आज अगर रजत बकर जिंदा होते तो इससे ज्यादा शख्स जुमले इनके ऊपर बोलते हैं जब कुछ हुआ नहीं था तो ये कह रहे थे जो मोहम्मद की इबादत करता था जान ले मोहम्मद मार चुके यानी दो कितनी सख्त बातें एक तो साहबा को कह रहे हैं कि जो तुम्हें इबादत करता है सीधा सीधा भी शेर का फतवा कोई नहीं करता था उनको भी पता था और दूसरा नबील इस्लाम की तारीफ करने की बजाय को नाद पढ़ने कोई द्रूषी पढ़ने की बजाय सीधा ये कह रहे हैं कि मर चुके एक गम है साहबा को ऊपर से इस तरह के जुमले इसका मतलब है कि साहब कराम के लिए तोहहीद टॉप प्रॉरिटी थी उन्हें पता था कि पैगंबर इसी में खुश हैं जत बकर बयान कर रहे हैं तारा हाँ और यार पैगम्बरों को तो छोड़ दें में से जिन लोगों को तोहीद का तारफ हुआ है अगर हमारी शान में कोई ऐसी कोई बात कर दे कि उसमें शिर का शायबा हो तो यकीन करें हाथ पांव कामना शुरू हो जाते हैं कि यार ये क्या बात कर रहे हो यार तो पैगंबर तो अल्लाह तला की कितनी आला शनाख्त तो रखते हैं वो तो सोच भी नहीं सकते कि उनके साथ कोई इस तरह का कीदा वाबस्ता करे कि खुदा के मुकाबले पे उसे खड़ा कर लिया जाए इसीलिए अल्लाह फरमाया ईसा मरियम कभी आर महसूस नहीं करेंगे इस बात पर कि उन्हें अल्लाह का बंदा कहा जाए ना कोई फरिश्ता अल्लाह अकबर फिर अल्लाह फरमाया कि अगर कोई इस चीज से आर महसूस करेगा ना फिर क्यामत वाले दिन हम सबको जमा कर लेंगे और अजाब देंगे ऐसों को यह समझाने के लिए था ऐसा कभी भी नहीं होना था फिर अल्लाह तला ने यहां तक फरमाया ये सूर्य अनसा में थी आयात सूर्य इमरान में कि कभी ऐसा नहीं हुआ कि हम किसी पैगंबर को नबूत देकर भेजें और वो लोगों से यह कहना शुरू कर दे कि लोगों मेरी इबादत करो अल्लाह के सिवा या अल्लाह के साथ वो तो कहता है कनू रब्बानी वाले बन जाओ बसब इसके कि अल्लाह ताला ने तुम्हें किताब दी जिससे तुम दर्श देते हो एक दूसरे को तबलीग करते हो ये कैसे हो सकता है कि अल्लाह तला तुम्हें हुक्म दे कि तुम अंबिया और फरिश्तों को रब मान लो क्या वो तुम्हें इस बात का हुक्म देगा कि तुम इस्लाम लाने के बाद काफिर हो जाओ ये इतनी सख्त आयात है सूर्यरान के अंदर खैर ये टॉपिक तो आज नहीं था मैं तो एक कैफियतारी हुई तो उस तरफ चल पड़ा इसके ऊपर आप मेरी तफसीली वीडियो देख लें शैतानी तोहीद का फितना शैतानी तोहीद, शैतानी बाबों का फितना ये बाबों की तोहीद है पैगम्बरों की तोहीद कोई और है, वो वो है जो कुरान में रिपोर्ट हुई है खैर टॉपिक की तरफ वापस आए ईसा इब्ने मरियम अलैहिस्सलाम से मुतल मुसलमानों का ये इजमा यकीदा है पांच जुमलों में मैं वो अकीदा बयान कर देता हूं नंबर वन ईसाब ने मरियम अलहम को अल्लाह ताला ने तैतीस साल की उम्र में थर्टी थ्री ईयर्स की एज में जिंदा आसमानों पर उठा लिया नंबर टू ई साहेब ने मरियम अम्सलम क्यामत से पहले एक दफा इस दुनिया में दोबारा तशीफ लाएंगे नंबर थ्री ई साहब ने मरियम जब कुर्बे के में आएंगे तो वो एक आदिल हुक्मरान के तौर पर नाजिल होंगे सलीब को तोड़ देंगे अहले किताब ईमान ले आएंगे द जाल को कत्ल करेंगे जिजिया मौकूफ कर देंगे पूरी दुनिया पे इस्लाम की हुकूमत होगी इनशाला इमाम महदी उनके लिए ग्राउंड्स बनाएंगे लेकिन अल्टीमेटली जब ईसाब ने मरियम आएंगे तो ये लीडरशिप ईसाइब ने मरियम के स्पुर्द कर दी जाएगी क्योंकि द का फितना एक इतना एक्स्ट्रॉडनी फितना है कि वो दुनिया के इंसानों के काबू में आने वाला नहीं है उसके लिए फिर बड़ी पर्सनैलिटी चाहिए और वह ईसाइब ने मरियम और नंबर फोर वो चालीस साल तक दुनिया में हुकूमत करेंगे इसी दौरान वो शादी भी करेंगे उनके बच्चे भी होंगे यानी उनकी उम्र सेवेंटी थ्री ईयर्स होगी तैतीस वो जो दुनिया में गुजार चुके हैं चालीस अभी उन्होंने गुजारनी है और नंबर फाइव अकीदा उनके बारे में ये है कि जब वो फोर्थ होंगे मुसलमान उनका जनाजा पढ़ के उन्हें कब्र रसूर सल्लास के साथ रोजा शरीफ में दफन करेंगे ये जो पांचों अकीदे हैं ना ये कुरान और सुन्नत के अंदर बड़ी तफसील के साथ बयान हुए हैं और सबसे बड़ी बात यह है कि उम्मत में इन पांचों अकायद के मामले में कोई इख्तलाफ नहीं है ये चंद वो मसाइल जिनके ऊपर इजमा उम्मत है उनमें से एक है वैसे कोई शख्स उठ के खतम नबूत का माना बदल के तो गुलाम अहमद कादियानी द की तरह फितना खड़ा कर दे तो हम उसे यह कहेंगे भाई खतम नबूत का अकीदा जो तुम बयान कर रहे हो इस तरह का खतम नबूत का अकीदा उम्मती नबी वाला तो कभी नहीं रहा यह तुम्हारी खुराफात है इसी तरीके से आज का कोई फलासफर या कोई मॉडर्न आलम दिन खड़ा होकर कहते हैं कि जी मैं इस अकीदे को नहीं मानता तो भी तुम्हारी खुराफात है कुरान सुन्नत और इजमा उम्मत के साथ तुम्हारे अकीदे का कोई ताल्लुक नहीं तुम्हारी गुमराही के लिए इतना ही काफी है इजमाए उम्मत इतनी बड़ी दलील है कि कुरान की अथेंटिसिटी इजमाए उम्मत है ये उम्मत ने अमली तवातुर और इजमा से कुरान ट्रांसफर किया है हमारे सामने नहीं नाजिल हुआ जहन में रखिएगा और इजमा से मुराद होता है जब पूरी उम्मत का एक अकीदा हो हाँ अगर इख्तलाफ पाया जाता हो फिर वह इजमाय उम्मत नहीं होता तो जिस तरह कुरान के बारे में ये इजमा यकीदा है कि ये महफूज है किताब सुन्नी हो शिया हो जितने भी इनके ऑफच्यूट हो सबका यही अकीदा है इस तरह ये वाला जो अकीदा है ई साहब ने मरियम वाला इसके ऊपर ना सिर्फ विद इन इस्लाम या मुसलमानों में इजमा है बल्कि इंसानियत का इजमा है जीव और क्रिश्चियंस भी मानते हैं खैर उनके मानने में और हमारे मानने में फर्क है लेकिन बार एक पर्सनैलिटी के बारे में सब मुतफिक है तो इस हवाले से जो लोग चीजें निकालते रहते हैं उनकी कोई अहमियत नहीं है नबील इस्लाम ने वाज फरमाया था अल मुस्तदर अल हाकिम में हदीस है अल मौजमल कबीर तबरानी के अंदर भी यह रिवायत मौजूद है और सूर्य अन निशा की आयत नंबर वन फिफ्टीन इसे स्पोर्टिव है कि मेरी उम्मत कभी भी गुमराही पर जमा नहीं होगी जमात पे अल्लाह का हाथ रहेगा यानी पूरी उम्मत अगर कोई अकीदा बता रही होगी ना वो कभी गुमराही पे मबनी नहीं होगा मसलन पूरी उम्मत बताती है कि नमाजें पांच हैं पूरी उम्मत बताती है कि नमाज के बुला रुख होकर पढ़नी है पूरी उम्मत बताती है कि फजर के दो फर्ज हैं जोर के चार असर के चार तीन मगरिब के और चार इशा के ये इजमाही कैीदे हैं पूरी उम्मत का अकीदा है कि मरने के बाद मुसलमान को गुसल देकर कफन देकर किबला रुख कबर में रखना है और उसका जनाजा भी पढ़ना है ये अपॉन चीज है यह इजमाए उम्मत वाली चीज है इसी तरीके से हयात मसीह और नजूल मसीह सलाम के ऊपर भी उम्मत का इजमा है किसी बंदे के अख्तलाफ करने से कोई उसकी अहमियत नहीं है कि उसे इतना उजागर किया जाए कि आप एक मुसीबत डाल के बैठ जाएं हम दलायल रखेंगे साथ साथ इन लोगों के शैतानी वसफिसों का रद्द भी करेंगे ताकि एक आम आदमी को बात समझ आ जाए सबसे पहले पुरान पाक में जो आयात है मैं इनशाला वो कवर करूंगा तीन मकाम से ईसा ईसीबन मरियम से मुतल जो हयात मसीह और नजूल मसीह से रिलेटेड आयात हैं और उनकी साथ तश्री भी करूँगा इनशाला और एंड पे जाके मैं बारह सईल इस्नाद हदीस बयान करूंगा लेकिन वो आखिर में बयान करूंगा सिर्फ इसलिए कि वो लोग जो ये समझते हैं कि ये अकीदा उम्मत ने खुद से घड़ लिया है कुरान में इसकी कोई जड़ मौजूद नहीं है उनका रद्द करना इस वक्त ज्यादा इंपॉर्टेंट है अदीस तो उम्मन आपने सुनी हुई है लेकिन दहरा कि हम तो हर हदीस रेफरेंस के साथ बयान करते हैं वो बारह सईल इस्नाद हदीस इन मैं एंड पे बयान कर दूंगा तफसील में जाने से पहले एक दफा दुरूष पढ़ लें जमीन हाँ जी पहला मुकाम जो है जी वो निसा की आयत नंबर 156 ऑनवर्ड सिक्स ऑन निसा कंक्लूड हो रही है इन आयत के अंदर ज्यूज ने जो जो अल्लाह ताफरमानियां की, की हैं उनकी एक फहरिस्त आप समझ लें पूरा मुकदमा उन पर कायम किया उन्हीं में से एक चीज अल्लाह तला ने बयान फरमाई ईसा ने मरियम के हवाले से कि अल्लाह तला ने जूस के दिलों पर जो मोहर लगा दी उसकी चंद वजूहत में से एक वजह यह भी थी आऊदबिल्लामिन शैतवानरजीम बिस्मिल्लर अभी कुर हीम वि आला मरियमा और ये जो उनके दिलों के ऊपर अल्लाह ने मोहर लगाई वो बस अब इसके उन्होंने कुफर किया और उनका ये कौल जो उन्होंने सैदा मरियम के ऊपर एक बहुत बड़ा बहुतान लगाया नाउदबिल्ला कि उनका बेटा जो है ये आउट ऑफ वेड लॉग पैदा हुआ है बजाय उसे मोजा मानने के व कौलिहिम और उनका यह कहना भी इन्ना कतल नल मसीहिबना मरियम रसूल अल्लाह के बेशक हमने तो मसीह को ईसाइब ने मरियम को कत्ल कर दिया जो कि अल्लाह के रसूल है अब इसके अंदर एक बड़ी हैरान हैरानकुन बात है छुपी हुई कि ईसाब ने मरियम जो के रसूल्लाह है उनको कतल करने का दावा ये कर रहे हैं क्योंकि रसूल कभी भी कतल नहीं होता अंबिया कतल हुए हैं कुरान में जिन आयत में रसूल के लिए वर्ड आया ना वो भी लुगत के मानों में आया जब टर्मनोलॉजी में इसलाह में बात करते हैं तो नबी वो होता है कि जो किसी रसूल की शरीयत में मुजद की हैसियत से आता है उसे स्टेब्लिश करने के लिए ना कि कोई नई शरीय लेके आता है और रसूल वो होता है जो नई शरीयत के साथ आता है रसूल तो बहुत थोड़े हैं वो मुसनद आमद में हदीस है मिशकात में भी कि एक लाख चौबीस हजार पैगम्बर हैं, उनमें से सिर्फ तीन सौ पंद्रह रसूल है बाकी सब के सब अंबिया हैं रसूल शरीयत के साथ आते हैं प्लस रसूल आके अपनी कौम को यह धमकी लगाते हैं कि अगर तुम हम पर ईमान ना लाए तो बड़े दिन का अजाब तुम्हें आप पकड़ेगा और फिर उसकी वजह से उनकी कौमों को हलाक किया जाता है जिस तरह नूह सलाम रसूल थे हूद अलैहिस्सलाम शुएब अलैहिस्सलाम तो इसलिए देखें उन्होंने धमकियां दी और मुखालफी तबाह बर्बाद हुए अलैहिस्सलाम लेकिन जो अंबिया होते हैं ना वो सिर्फ दावत तौहीद देते हैं जो अगली शरीयत है उसकी पैरवी का हुक्म देते हैं जिस तरह के अलैहिस्सलाम वो तो कहीं आपको उनकी धमकी नजर नहीं आएगी कि अगर मुझ पर ईमान ना लाए तो बड़े दिन का अज़ाब आप पकड़ेगा वो तो सिर्फ जेल के साथियों को दावत तोहद देते हैं क्योंकि वो आलरेडी हजरत इब्रहीम हजरत इसहाकाम हजरत यकूब के दीन के ऊपर होते हैं तो ये नबी और रसूल में फर्क है रसूलों के केस में अल्लाह तारा ने वाज फरमा दिया है कतब अगली बना व रसूली अल्लाह ने यह तय कर लिया अपने पास कि बिल जरूर मैं और मेरे रसूल ही गालिब रहेंगे रसूल कभी कतल नहीं होगा क्योंकि रसूल अगर धमकी लगाए और खुद कतल हो जाए तो उसकी रसाल तो फिर गई ना धमकी लगा रहा था मुखालफीन को खुद कतल हो गया उनके हाथों ये वजह कि ईसा बने मरियम कतल नहीं हुए अल्लाह ताला ने उन्हें आसमानों पे उठा लिया बचा लिया और उनके मुहालफिन पे अजाब का कोड़ा फिर बरसा और मुसलसल पिछले 2,000 साल से बरस रहे टाइटस ने 70 ईस्वी के अंदर नबी इस्लाम की पैदाइश से एग्जैक्टली फाइव हंड्रेड ईयर्स पहले हैकले सुलमानी जो दोबारा इन्होंने तामीर किया था नबोकेट नजर के तोड़ने के बाद उसे तोड़ दिया एक दीवार सिर्फ छोड़ी उसने वो जिसके सामने ये वो गिरिया कर रहे होते हैं वेलिंग बॉल दीवारे गिरिया और फिर मुसलसल अजाब की किस्तें इन पर आती नहीं है उसकी वजह यह है कि इन्होंने अपनी रविश नहीं बदली पिछली सदी में तो इतना बड़ा अजाब आया कि वो इंसानी हिस्ट्री में नहीं आया किसी के ऊपर साठ लाख यहूदियों को हिटलर ने दूसरी जंग अजीम के अंदर सौ फैक्ट्रीज में गैस चैंबर्स के अंदर कत्ल कर दिया हिटलर का जो अमल है वो गलत है उसे हम कंटेम करेंगे इन पे जो अजाब आया वो अल्लाह तला की ना फरमानी करने के सब और ये जो मैं बात कर रहा हूं ये यहूदी खुद मानते हैं आज भी आपको पता है जो जाइनस्ट हैं वो अलग से हैं ज्यूज अलग से हैं ने इसराइल बनाया है इसराइल बनाने को ज्यूज हराम समझते हैं जो ओरिजिनल यहूदी हैं जो अमेरिका में आपको फलस्तीन के झंडे लगाए हुए और इसराइल के झंडे के ऊपर क्रास का निशान के साथ नजर आ रहे हैं वो ज्यूज हैं वो ये कहते हैं कि हमने नहीं ये काम करना कि हम अलग से रियासत बनाए जब तक हमारे गुनाहों की माफी नहीं होती उस वक्त तक अल्लाह हमें हुकूमत नहीं देगा और वो अल्लाह ही हमें हुकूमत बना के देगा क्योंकि इन्होंने तो मूसल इस्लाम को भी कहा था कि अल्लाह ही जाके जिहाद करें हमने नहीं करना तो ये कैसे कर सकते हैं तो एक पॉलिटिकल मूवमेंट थी ये यह मूवमेंट जो है हां उनका मजहब जो है वो यहूदियत था बस ये है जिस तरह के सल्तनत उस्मानिया या बनु मैया बन अब्बास या बाकी हुकूमतें इस्लामी हुकूमतें तो नहीं थी हाँ वो बादशाह जो थे वो मुसलमान थे उसकी वजह से जरा इस्लाम का टपा लग गया वरना काम कोई मुसलमानों वाले नहीं थे ना सल्तनत मुगलिया के काम मुसलमानों वाले थे इल्ला माशाल्लाह तो इस चीज को आपने समझना है अल्लाह तला रसूलों की हिफाजत करता है तो ईसाब ने वरियम की भी अल्लाह ने हिफाजत की कि उन्हें उठा लिया और उनके पे के कोड़े मुसलसल बरस रहे हैं आखिरी कोड़ा बरसना है जब कुर्ब में उन्होंने खुद नाजिल होना है तो उस वक्त फिर जूस और क्रिश्चियन इस्लाम कबूल कर लेंगे लेकिन जो उस वक्त भी नहीं करेंगे ना उनके खिलाफ फिर किताल होगा वो बुहारी मुस्लिम में आया कि अगर किसी दरख्त या पत्थर के पीछे भी कोई यहूदी छुपा होगा ना तो इतना बड़ा अल्लाह का आजाब होगा कि वह दरख्त और पत्थर भी बोलेगा कि अस्लिम मेरे पीछे यहूदी ऐसे कतल करते बंदी दीश नहीं ए मुस्लिम तो लिहाजा मुस्लिम बढ़ जाओ उदादा जाए तो एक हरकत का दरख्त इस्लाम कहते हैं कि वो यहूदियों का दरख्त है वो नहीं बोलेगा जिसकी काश्त उन्होंने बहुत बड़े पैमाने पर की है उन्होंने तो खैर किसी और वजह से की बहरल अल्टीमेटली उसके पीछे यह वजह भी है वो बहुत बड़ी झाड़ी होती है रेगिस्तान में इतनी घनी झाड़ी वही उग सकती है उसमें एक बंदा क्या कई बंदे भी आप छुपा दे तो नजर ही ना आए दरख्त नुमा झाड़ी है वो तो वो हरकत का दरख्त उनको पना देगा अदरवाइज वो कतल किए जाएंगे मैदान जंग में आम हालत में नहीं कतल करना ना किसी मुसलमान ने यहूदी को ना किसी यहूदी ने मुसलमान को सिर्फ मैदान जंग का मामला है तो अल्लाह तला ने हिफाजत फरमाई ईसैब अपने मरियम की आसमानों पर उनको उठा लिया और उनके मुखालफिन पर चूंकि वह रसूल थे तो ये जो अल्फाज है कि हमने कतल कर दिया ईस एब मरियम को जो रसूल्ला थे ऐसा नहीं हो सकता अच्छा यहां पर मुझे जिमन याद आया अल्लाह की राह में मारा जाना एक बहुत बड़ा एजाज है हर रबी की ख्वाहिश होती है कि वो कत्ल हो हर रसूल की ख्वाहिश होती है कि अल्लाह की राह में शहीद हो लेकिन अल्लाह का रूल अपनी जगह उस रूल से बाहर कोई ख्वाहिश अल्लाह तला पूरी नहीं फरमाता लेकिन उसकी कंपनसेशन किसी दर्जे में जिसके लिए चाहे फरमा सकता है और वो हमारे नबी इस्लाम के केस में हुआ बुखारी मुस्लिम में हदीस है कि मेरी ख्वाहिश है कि मैं अल्लाह की राह में कत्ल किया जाऊं फिर जिंदा किया जाऊं फिर कत्ल किया जाऊं फिर जिंदा किया जाऊं फिर कत्ल किया जाऊं ख्वाहिश तो थी लेकिन कैसे कत्ल होते कतब अल्ला अगली बन व रसूली अल्लाह ने तो यह तय कर लिया रसूल कतल नहीं होंगे नबी नबीसलाम तो रसूल थे वो नबी तो नहीं थे यानी नबी उन मानों में कि सिर्फ नबी नहीं थे रसूल थे तो नहीं कतल हो सकते थे अल्लाह ने एक इसका अल्टरनेटिव दिया और वो ये सही बुहारी के अंदर मौजूद है इस्लाम अपनी वफात के दिनों में ये कहते थे कि खैबर के मौका पर जो मुझे एक यहूदिया ने जहर दिया था वो मुसलसल मेरी रगें काट रहा है और आज मैं उसकी तकलीफ में हूं यानी नबीलाम को जो जहर दिया गया चार साल पहले ऑलमोस्ट खैबर के मौका पर अल्लाह ने उस जहर को वापस लौटाया और उस जहर के असर से इस्लाम की वफात हुई तो ऑनरी तौर पे आपको शहादत मिल गई वरना उस वक्त तो कई साहबा शहीद हो गए थे अब दौद में बड़ी हदीस है बुखारी में मौजूद है बल्कि उस यहूदिया को फिर किसास के तौर पर कत्ल भी करवाया गया था उसे पूछा गया यह क्या हरकत किया उसने कहा कि मैंने इसलिए की कि अगर तो ये अल्लाह के रसूल हैं तो अल्लाह तला, तला की हिफाजत कर लेगा और अगर ये अल्लाह के रसूल ना हुए तो हमारी जान छूट जाएगी इनसे वो तो बुहारी के अल्फाज हैं जब इस्लाम ने अपनी जुबान पे वो बोटी का टुकड़ा रखा वो जो बकरी का गोश था तो उस गोश में से आवाज आई कि मुझे ना खाए मेरे अंदर जहर है उस वक्त फिर इस्लाम को पता चला आपने फौरन थूक दिया लेकिन वो कुछ असर तो रहा कुछ साहबा तो निकल चुके थे तो वो शहीद भी हो गए

म की वफात उसकी वजह से हुई ऑनरी तौर पर आपको शहादत भी मिल गई लेकिन वो चीज अपनी जगह है कि अल्लाह तला रसूलों की हिफाजत फरमाता है कत्ल नहीं किया गया وما صلبوه ना उन्हें सूली चढ़ाया गया वुभ भी हलाम बल्कि मामला उनके लिए एम्बिगस हो गया मुश्तबे हो गया उनके कातलीन को यह पता ही नहीं चला कि वो किसको कतल कर रहे हैं वह अख्तलफू फी और बेशक इस मामले में जो लोग इख्तलाफ कर रहे हैं लफी शक के मिन वो उनके मामले में शक में है उन्हें कोई यकीन से नहीं पता जाहिर के ज्यूज और क्रिश्चियंस दोनों इसके ऊपर मुतफिक हैं कि उन्होंने एक बंदे को सूरी चढ़ा दिया ईसा ने मरियम को यहूदियों ने चढ़ाया और क्रिश्चियंस उन्हें इस मामले में ईसा अपने मरियम का कातिल समझते हैं इसी वजह है। से इन दोनों ने कभी भी एका नहीं किया ये आज जो आपको एका नजर आ रहा है इसकी रीजन कोई और है वो मैं दाल वाली वीडियो में बता चुका हूं बिही मिन इल्म इस मामले में इनके पास कोई वाली बात तो है नहीं है इलत तिबा वन सबा इसके ये अपने गुमान की पैरवी कर रहे हैं वमा कतलूहू यकीना और यकी उन्हें कत्ल नहीं किया गया बर्रफ बल्कि अल्लाह तला ने उन्हें बुलंद कर लिया अपनी तरफ वकान हकीमा, और बेशक अल्लाह तला गालिब है हिकमत वाला ये हिकमत है ये अल्लाह की हमत है अल्लाह तला इस बात पर भी गालिब था कि जो लोग उन्हें कतल करना चाह रहे थे उन्हें तबाह कर देता लेकिन अल्लाह की हमत यह है कि उनको उस वक्त कुछ नहीं कहा इसे अपने मरियम को ही अल्लाह तला ने ऊपर उठा लिया इसमें वाज आ गया कि ना वो कत्ल हुए ना सूली दिए गए और यकीन वो कत्ल नहीं हुए बल्कि अल्लाह ने उन्हें अपने पास उठा लिया अब यह बड़ा अच्छा मौका था कि यहां पर अल्लाह तरफ माता कि वो अपनी नेचुरल डेथ फोत हुए फलां जगह उनकी कबर है नहीं फोत होने का जिक्र ही नहीं है यह जिक्र है कि कत्ल नहीं हुए सलीम नहीं दिए गए बल्कि अल्लाह ने उन्हें अपने पास उठा लिया तो ये इतने गैर मामूली अल्फाज बता रहे हैं कि अल्लाह ने उन्हें जिंदा उठाया है और इसकी जो तफसीलात हैं वो जो मुस्लिम मुफसरीन है इमाम तबरी हों या इमाम इबन कसीर हों उन्होंने मुख्तलिफ रवायतें नकल की हैं जाहिर है कि इसकी तफसीला इस्लाम ने तो कोई बयान नहीं फरमाई बस इतना ही अकीदा आया कि ये अल्लाह तला ने उन्हें जिंदा आसमानों उठा लिया। लेकिन वो वो इवेंट क्या हुआ था, तफी नहीं बताई गई की लाइब्रेरी से सत्रहवीं सदी के आगाज में आलमोस्ट आठ से कोई चार सौ साल पहले एक इंजील का वर्जन निकला था इंजील बरनाबास का अब क्रिश्चियंस तो इंजील बर्नाबास को नहीं मानते बाद में टर्की में भी एक स्मगलिंग के दौरान भी कुछ साल पहले एक उसका नुस्खा एक बंदे के हाथ लग गया साल पुराना नुस्खा है। नबील इस्लाम की पैदाइश से भी पहले का है अगर वाकई ऐसा है और उसमें वही कुछ लिखा हुआ है तो ये तो बड़ी गैर मामूली बात है क्योंकि फिर मुसलमानों पर तो इल्जाम नहीं लगाया जा सकता कि ये कार्बन डेटिंग नहीं हुई भी, लिहाजा मैं वसूख से नहीं उसे ऑन कर सकता कि वाकई वो पंद्रह सौ साल पुराना है मैंने इंजील बरनाबास पढ़ी है उसका जो मिजाज है उस किताब का उसमें तो मुझे नहीं लगता कि ये किताब किसी भी एतबार से अल्लाह ताला की तरफ से नाजिल हुई हुई इंजील है और मुसलमानों में चंद स्कॉलर हैं जो क्रिश्चियंस के साथ इस मामले में एग्री करते हैं कि ये किसी मुसलमान नहीं लिख के बरनाबास के मथे मारी है उसमें बड़ी अजीब गरीब चीजें भी हैं और दूसरा है इल्हामी किताबें सेंटर्ड अराउंड गॉड होती हैं वो सेंटर्ड अराउंड इस्लाम के है हती कि उसमें यहां तक लिखा हुआ है कि हजरत इस्लाम को जब अल्लाह तला ने पैदा किया तो उनके जो है दाएं अंगूठे पे ला इला और बाएं अंगूठे पे मोहम्मद रसुल्ला जाहिर किया फिर नबी इस् का तारुफ करवाया फिर उन्होंने चूम के आंखों को लगाया वो ब्रिलवी पेश करते हैं वो कहते हैं जील वरना बास में तो किसी ब्रिलवी ने उस जमाने के लिखी हुई है ये तो मैं तो एग्री नहीं करता क्योंकि उसका मिजाज ही नहीं है हाँ ये कोई कह सकता है कि जी वो मिजाज इसलिए नहीं है कि उसमें तब्दीलियां होगी लेकिन ओवरऑल वो उस तरह का मिजाज उसमें नजर नहीं आता जो आपको गॉस्पल ऑफ जॉन में ल्यूक में और मार्क्स और मैथ्यू में नजर आता है बहल जिनकी जज्बाती एफिलियशन है हम उसको हर्ट नहीं करना चाहते लेकिन अगर ये समझते हैं कि टर्की में 1500 साल पुराना नुस्खा है तो टर्की को तो फौरन से पहले कार्बन डेटिंग करवानी चाहिए मैं कह दूं नहीं गोरा आपका मुकदमा मान लेगा अगर कार्बन डेटिंग से उसकी डेट निकल आए वो तो बड़ी आसानी से पता चल जाता है कि ये कितना पुराना नुस्खा है जिसने पुराना पाक के भी कुछ नुस्खों की कार्बन डेटिंग हुई है हजरत उस्मान के जमाने के निकले हैं वो रजील तु ऑक्सफोर्ड की लाइब्रेरी में रखे हुए हैं तो इसकी भी करवाए और मेरा ख्याल है इसकी ना करवाना और इसको इस तरीके से हाईलाइट ना करना ही इसको मशकूक बना देता है बहर इंजील बरनाबाज का मैंने जिक्र इसलिए कर दिया कि शायद कोई उसकी तरफ रेफर करे और कई लोगों ने तो वीलॉग्स पूरे पूरे बना दिए हैं वो इतने मजबूत दलाइल नहीं है कि हम इनके सामने पेश करें क्योंकि वो उनको मानते नहीं है हमारे पास ऑलरेडी गॉस्पल ऑफ जॉन के अंदर इतनी तफसली नबील इस्लाम से मुतलिक पेश गोयाँ मौजूद हैं डिट्रानोमी चैप्टर में तोरात के अंदर भी कि वो तो डॉक्टर जाकिर नायक ने और अहमद दिदास साहब ने बड़ी तफसील के साथ उसके ऊपर वीडियोज रिकॉर्ड करवाई हुई है कि हमें वर्न का सहारा लेने की जरूरत नहीं बहरल उसमें भी एक स्टोरी मिलती है कि ईसा अपने मरियम के लिए आसमान से चार फरिश्ते नाजिल हुए और उनका एक हवारी था यहूदा उसने ख्यानत कर दी थी हजरत ईसा के साथ और उनकी रिहायश गाह की जगह बता दी थी और वहां पर रोमन्स के फौजी पहुंच गए बुधप्रस्त रोमन्स के पपिट हुकूमत उस वक्त यहूदियों की थी लेकिन ओवरऑल बुध प्रस्तों की थी तो फाइनल डिसीजन उनके ही होता था तो वो यहूदियों ने अपने मरियम के खिलाफ साजिश करके उनके कान भरे बहरल वो जब रोमन फौज गिरफ्तार करने के लिए आई तो वो जो यहूदा था उसने उनको कहा कि भाई मैं जिसके तरफ इशारा करूंगा ना ए मेरे उस्ताद तो तुमने उसे गिरफ्तार कर लेना जहरा वो तो दूसरी जगह से फौज आई हुई थी उस जमाने में कोई तस्वीरें तो नहीं होती थी ना कि आप पेश करें कि जनाब ये है आपको इसको आपने नामालूम अफराद में शामिल कर लेना है उस जमाने में तो ये नहीं होता था तो वो जब अंदर गया उसने इशारा किया तो वहीं पर अल्लाह तबारक वताल ने फिर मुजाना तौर पर जब वो अंदर गया तो उस एक्टिविटी के परफॉर्म होने से पहले ही अल्लाह तबारक वत ने ऐसा मामला किया कि वहां पर अंदर तो अंधेरा था जब ये यहूदा एंटर हुआ ना तो जहर भागदड़ मच गई उसी दौरान उन्होंने मां शमा वगैरह रोशन की तो यहूदा की शक्ल जो है वो ईसा ने मरियम वाली अल्लाह तला ने बना दी थी सजा के तौर पर तो जो बाकी हवारी थे उन्होंने कहा ऐ मेरे उस्ताद सबने यही कहा तो रोमन फौज ने उसको पकड़ लिया और पकड़ के उसे सूली चढ़ा दिया इसी तरह की तफसीलात आपको इबन कसीर में और तबरी में मिलेंगी लेकिन उसमें जरा डिफरेंट अंदाज में मिलती है उसमें यहूदा का जिक्र नहीं है उसमें किसी और बंदे का जिक्र है कि उसके साथ अल्लाह ने ऐसा मामला किया और उसमें पॉजिटिव अंदाज में है कि हजरत ईसा इबन मरियम ने यह कहा कि जो चाहता है कि जन्नत में मेरा पड़ोस हासिल करे तो वो मेरी जगह सूरी चढ़ेगा फिर तो एक ही शगीर था जो तैयार हुआ उसने कहा कि हजरत मैं तो फिर अल्लाह तला ने उसकी शक्ल ईसा ने मरियम वाली बना दी और वो सूली चढ़ गया और उसके अवज अल्लाह तला ने उसको जन्नत में ईसा ने मरियम का पड़ोस दे दिया अब ये बिल्कुल वन एटी डिग्री एक तरफ वो खायन है और एक तरफ ये उसने अपने नबी के लिए जान दिया अब अल्लाह बेहतर जानता है क्या है ये मामला आज तक मुश्तबे ही है लेकिन एंड रिजल्ट यही है कि ईसा एब ने मरियम को अल्लाह तला ने उठा लिया एक ये चीज इस्टैब्लिश हो गई दूसरा ये कि वाकई एक बंदा सूली चढ़ा है जिसकी शक्ल हजरत ईसा ने मरियम वाली थी लिहाजा जूस और क्रिस्स जो ये कह रहे हैं ना ईसा ने मरियम को सूली दिया गया ये बात फिफ्टी परसेंट दुरुस्त है कि उनकी शक्ल के एक बंदे को सूली दी गई है ये मुसलमान जो कहते हैं ना ये झूठ बोल रहे हैं ये झूठ इसलिए कि वो ईसा अपने मरियम नहीं थे लेकिन शकल उनकी हुई थी लिहाजा फतवा तो, तो जहर के ऊपर लगता है ना उनको तो नहीं पता था ना उस वक्त कोई डी टेस्ट वाला मामला था लिहाजा ये जो इंसानी हिस्ट्री में बात चल रही है ना कि हजरत ईसाब ने मरियम सोली दिए गए तो वाकई ईसा ने मरियम की शक्ल का एक बंदा उसी जगह से गिरफ्तार होकर सूली दिया गया है हां जो ओरिजिनल ईसा ने मरियम थे उनको अल्लाह तला ने उसी वक्त उन पर ऊंग तारी की और उन्हें फरिश्तों के जरिए आसमान पर जिंदा उठा लिया तो ये पूरे का पूरा मामला है जो ईसा ने मरियम के उठाए जाने से मुतालिक है जिसको अल्लाह तला हमारे के मुश्तबे हो गया मुश्तबे हुआ कि बाद में फिर उन्हें ख्याल आया कि भाई जो बंदा मुखबरी करने आया था वो किधर गया एक बंदा तो कम पड़ गया ना तो वो फिर बंदा उन्होंने क्या तलाश करना था बहरल ये सारा मामला हो गया अब यहां तक तो ये कीदा बयान हुआ है कि आसमानों पर अल्लाह तला ने उन्हें जिंदा उठा लिया अगली आयत के अंदर सूर्य निशाह की अल्लाह तला, 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 तला फरमाया हुआ इम मिन अहले किताब और अहल किताब में से कोई भी ऐसा नहीं बचेगा कबला मऊती मगर यह कि वो अपनी मौत से पहले ईसाब अपने मरियम पर ईमान ले आएगा व यूमल क्या यकून अल शहीदा और क्यामत के दिन अपने मरियम उनके ऊपर गवाह भी बनेंगे ये जो आयत का पोर्शन है यह बता रहा है कि ईसाब अपने मरियम पर सब अहले किताब ईमान ले आएंगे लेकिन उनकी जिंदगी में तो सिर्फ बारह बार लेके आए तो इस आयत को तलावत करके बुखारी और मुस्लिम दोनों में आता है कि हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाह जब कभी भी इस्लाम की वो हदीस बयान करते थे ना कसम है उस जात की जिसके कब्जे कुदरत में मेरी जान है कि ईसा इब ने मरियम तुम में जरूर नाजिल होंगे आदिल हुक्मरान की हैसियत से सलीब को तोड़ देंगे क्रिश्चियनिटी खत्म जब ईसा इब मरियम ही सलीब तोड़ देंगे तो किस क्रिश्चन की जरूरत है कि वो फिर सलीब को माने अगर रसुल्ला दुनिया में तशरीफ ले आए और खुद गुमद खजरा को उतार दें कि मैंने तो तुम्हें मना किया था कब्रों पर मारते मत बनाना तो फिर तो किसी की गुंजाइश ही नहीं रहती ना कि वो मजारात का दिफा करना शुरू करते तो ये लॉजिकली समझ आती है तो ईसा अपने मरियम सलीब को तोड़ देंगे खंजीर को कतल करेंगे अलामती तौर पर यानी कि यह खंजीर अगर कोई खा भी रहा था तो भाई ये हराम है जिजिया मौकूफ कर देंगे जिजिया तो काफरों से लिया जाता है इंसान मेजोरिटी जो है वो हजरत ईसा अबन वरीम के साथ शामिल हो जाएंगे और मुखालफी तो वैसे ही कतल हो जाएंगे हर तरफ इस्लाम होगा और फिर हजरत अबू रैरा ये बयान करके हदीस यही आयत पढ़ा करते थे वह इमिल कबला कबल थी वो कहते थे कुरान पढ़ के देख लो कि अहल किताब में से कोई नहीं बचेगा मगर ये कि वो उनकी मौत से पहले उन पर ईमान ले आएगा तो सैदुना अबू हुरैरा अल्लाह हैरा का दी अकीदा था कि ईसा अबन वरीम ने दुनिया में आना है और वो हदीस के साथ इस चीज को बयान करके ये आयत भी साथ कोट किया करते थे तो इस मकाम पर हयात मसीह और नजूल मसीह दोनों कवर हो गए कि जिंदा उन्हें उठाया गया और वो क्या से पहले दुनिया में आएंगे हाँ उसके बाद जब वो आएंगे फिर उनके ऊपर जाहिर है वो मौत भी तारी होगी जो कुरान में आया कि सलाम हो उस दिन पर जिस दिन मैं पैदा हुआ जिस दिन मैं मरूंगा जिस दिन मैं दोबारा उठाया जाऊंगा तो जाहिर ई साहब ने मरियम ने भी मरना है इंसान है मौत तो उनको भी आनी है तो यहां पर गांधी साहब की तरफ से एक पॉइंट उठाया गया कि जी सूरत ममायदा के आखिरी रुकू में तो ईसा ने मरियम अपने मानने वालों से एलान बरत करेंगे और वो तो ये कहेंगे कि अल्लाह जब तक मैं इनमें मौजूद था इन पर गवाह था जब तूने मुझे उठा लिया फिर तू ही इन पर गवाह था अब ये तेरे बंदे हैं चाहे इन्हें अजाब दे चाहे इन्हें बख्श दे तो गांधी साहब का ये कहना है कि उस मौके पे ईसा में मरियम को ये कहना चाहिए ना कि अल्लाह जब मैं दोबारा दुनिया में आया था तो फिर मैंने इनकी इसलाह भी कर दी थी और लोग मेरे पे ईमान भी ले आए थे तो चूंकि इसमें यह नहीं लिखा हुआ लिहाजा दोबारा आना मशकूक होता है भाई दोबारा वो उन लोगों के ऊपर तो नहीं आएंगे वो तो हजारों साल बाद दोबारा आ रहे हैं लॉजिकली हजरत ईसैब ने मरियम का क्या के दिन ये कहना बनता ही नहीं है कि मैं दोबारा आया था तो मैंने इनको कलमा पढ़ाया था भाई ये तब कहते जब उन्हीं में दोबारा आते जब उन लोगों से मुतलिक बात हो रही है कि जिनके ऊपर वो पैगंबर बना के भेजे गए उन्होंने उनका इनकार किया या उनके बारे में डिविनिटी क्लेम की वो तो मर चुके ईसा ने मरियम तो किसी और नस्ल के ऊपर आ रहे हैं तो उसका जिक्र वो क्यों करेंगे हामा एक चूहा छोड़ना होता है और लोग भी पीछे चढ़ पड़ना वाकई ये तो को नहीं लिखा भाई ये तो तब लिखा होता है जब ईसा एब ने मरियम तैतीस ईस्वी में उठाए जाते और चौंतीस के अंदर वापस आके तो उनको दोबारा कलमा पढ़ाते फिर तो बात होती तैतीस में उठाए गए हैं आज दो हजार तेईस हो चुकी है दो हजार साल हो चुके हैं आज भी अगर वो आज है तो ये तो कह नहीं सकते क्या दिन के मैं जब दोबारा गया था तो मैंने उनको दोबारा मुसलमान कर लिया था वो तो मर चुके वो तो झन्ना में पहुंच गए जिन्होंने अजरत ईसीब ने मरियम के साथ गलत अकीदे वास्ता किए हैं लिहाजा बिल्कुल ये जानबूझ के ना कुरान में कोई इस तरीके से अपनी बात को दाखिल करना अब ये आयात इतनी गैर मामूली है सूर्य अन्य की कि इनकी वजह से गांधी साहब को भी ये बात माननी पड़ी है कि ईसीब ने मरियम के साथ गैर मामूली मामला हुआ है कादियानियों का तो तोदा है कि वो मर गए हैं और उनकी कबर भी है गांधी साहब का यकीदा है कि वह दुनिया से तो चले गए लेकिन अल्लाह तला ने उनकी डेड बॉडी जो है वो आसमानों पर उठा ली थी ताकि उस लाश की बेहरमती ना हो तो आधा कीदा वो भी मानते हैं कि ईसा मरियम उठाए गए हैं लेकिन वो कहते हैं कि उसी वक्त उन पे मौत तारी करके अल्लाह तला ने उन्हें उठा लिया हम कहते हैं नहीं उस वक्त नींद तारी करके उन्हें उठाया और उसके सबूत में हम कुरान की आयत भी इनशाला पेश करेंगे और आदीस को तो उन्होंने नहीं मानना तो उसको तो छोड़ दें हम आयात से इस मुकदमे को क्लियर करेंगे यहां पे बिल्कुल वाज है अगर उनकी मौत हुई होती तो जब अल्लाह ये बार बार जिक्र कर रहे हैं कि ना उनको कत्ल किया गया ना शरीफ दिया गया और यकीन नहीं कत्ल किया गया तो बड़ा अच्छा मौका था कि अल्लाह माता के अल्लाह ने उन्हें मौत दी और ऊपर उठा लिया लेकिन अल्लाह ने यह नहीं कहा वमा कतलू यकीन यकीन वो कतल नहीं हुए बर रफाला बल्कि अल्लाह ने उन्हें ऊपर उठा लिया यहां आना चाहिए था ना ये वो क्रॉल रही है जो सही वाली क्रॉल रही है लिहाजा ये इस तरह का जो अकीदा पब्लिक में चंद लोगों ने छोड़ा और जज्बात से भी खेला है कि जी अगर आप ये बात करेंगे तो खतम नबू पे लग जाएगी कादियानी भी तो उम्मती नबी होने का दावा कर रहे हैं गुलाम कादियानी दजाल के बारे में तो हमारा तो अकीदा है कि नबी इलास्लाम आखिरी पैगम्बर है तो खत्म नबू पे लग जाएगी खतम नबूत कैसे स्टेग पर लगेगी हजरत ईसाब ने मरियम नबी की हैसियत से नहीं उम्मती की हैसियत से आ रहे हैं उम्मती नबी नहीं उम्मती हाँ चूंकि वो नबी पहले से हैं तो नबूत छीनता नहीं है नबी तो वो होंगे इसलिए नहीं कि वो अब नबी बन के आए इसलिए कि वह पहले से नबी है गुलाम उत्तर को ये कहते हैं उम्मती नबी और वो कहते हैं कि इस उम्मत में वो नबी बन के आया है उम्मती नबी की हैसियत से जबकि ईसा ने मरियम के बारे में हमारा यह कीदा नहीं है कि वो उम्मती नबी है नहीं, नहीं। बल्कि वो उम्मती बन के आए हैं नबी वो पहले से थे इस उम्मत में वो नबी बन के नहीं आया ये बिल्कुल दो डिफरेंट चीजें हैं इनको मिक्स करना भाई एक नुक्ते से महर मुजरम बन जाता है एक जाबो कबूल से और हकमेहर से बदकारी जो है वो निकाह में कन्वर्ट हो जाती है बड़ा फर्क होता है चंद चीजों के मुासिलत से आप अपनी मर्जी से कोई अकीदा इंजेक्ट नहीं कर सकते एक्सेप्शन तो हर जगह मौजूद होती हैं खत्म नबूत के होते हुए हजरत ईसा ने मरियम का दुनिया में आना इसी एक्सेप्शन तो कुरान में नबी इस्लाम ने अदीस में बयान कर दी हुई है और इस तरह की और कई एक्सेप्शन है ये गांधी साहब वही एक घनौना खेल खेल रहे हैं कि अगर कोई शख्स कुरान से यह खेल खेलना शुरू कर दे कि कुरान में तो सूर्य यासीन में और सूर्य वाक्य में लिखा है कि जो मर गया वो दोबारा दुनिया में वापस नहीं आएगा लिहाजा कुरान में जो ये लिखा है कि ईसाब ने मरियम मुर्दों को जिंदा करते थे यह फ्रॉड है फ्रॉड ही हुआ ना फिर तो क्या कहेंगे ये गांधी साहब नहीं वो जनरल रूल है ये एक्सेप्शन है एक छोटी सी बीच में कि ईसा अल्लाम के लिए अल्लाह ने उनकी नबूत बनवाने के लिए वक्ती तौर पर मुर्दों को जिंदा किया तो वो जनरल रूल क्यों टूट गया कहेंगे नहीं वो टूटा नहीं यही एक्सेप्शन है सरकार ईसा मरियम के आने से भी ये वो एक्सेप्शन है जिससे खत्म नबूत पर फर्क नहीं पड़ता इस तरह तो कुरान में और कई मिसालें मौजूद है कि अगर आप पिक एंड चूज करना शुरू कर देंगे तो फिर हम ये एक्सेप्शन वाला जो मामला है ना इसको निगलेक्ट करेंगे तो ये एक्सेप्शन वाला मामला ऑलरेडी पाक में मौजूद है अल्लाह ताला जनरल रूल के तौर पे एक बात करता है फिर उसमें एक्सेप्शन भी होती है दीनी अकाम में भी कई जगह ये चीजें मिसाल के तौर पे मौजूद है अब ये वो मुकाम था जिसमें वाज अकीदा आ गया दूसरा मुकाम जो है वो सूर्य आल इमरान की आयत नंबर है फिफ्टी फाइव जिसमें से बाज कादियानियों ने भी धोखा दिया और गांधी साहब भी यहां पर एक लफ्ज का तर्जुमा मौत करते हैं हालांकि मुझे बड़ी खुशी हुई कि गांधी साहब के जो अपने उस्ताद हैं ना अमीन अहमद इसलाई साहब उन्होंने तदब्बर कुरान के अंदर आधा अकीदा वही माना है जो बाकी मुसलमानों का है कि हजरत ईसाब ने मरियम को जिंदा अल्लाह ने आसमानों पर उठाया उन्होंने कहा कि कोई अरबी का करीना बनता ही नहीं है कि यहां पर कोई मुतवफी का तर्जमा जो है वो मौत करे और उन्होंने सूर्य नसा की आयात को जोड़ के कहा कि बिल्कुल जिसे थोड़ी भी अरबी से वाकफियत है जिसमें थोड़ा सा भी कॉमन सेंस मौजूद है वो कभी ये रिजल्ट नहीं निकालेगा कि हजरत ईसा इस्लाम को अल्लाह ने मौत दे के अपने पास उठाया बल्कि जिंदगी उठाया तो मुझे बड़ी खुशी हुई कि गांधी साहब के जो उसाद हैं जो काफी यानी अच्छी चीजें उनसे डॉक्टर सराज साहब ने सीखी और कुछ जो अजमाई अकीदों के खिलाफ चीजें थी वो गांधी साहब ने सीख ली बहर इस मामले में गांधी साहब वाला उनका अकीदा नहीं है ईसा या और याद करो वो वक्त जब अल्लाह तला ने फरमाया ईसा इन्नी मुतवफ़ी का बेशक मैं तुझे मुतवफ़ी करूंगा अब मैं इसका तर्जुमा नहीं कर रहा बल्कि मैं ऐसे मुतवफ़ी अब मुतवफ़ी किन किन मानों में आता है वो मैं बाद में कुरान से डिस्कस करूंगा इन मुतवी का बेशक मैं तुम्हें मुतवफी करूंगा और हम इसका तर्जुमा इस तरह करते हैं कि मैं तुम पर नींद तारी करूंगा का इलैया और फिर अपने पास उठा लूंगा अब अगले लफाज में यह उठा लूंगा अब ये मैं नींद वाला तर्जमा क्यों कर रहा हूं क्योंकि सूर्य निशा में हो चुका है कि ना वो कतल हुए ना सलीब चढ़े बल्कि अल्लाह ने उन्हें अपने पास उठा लिया और वहां अल्लाह ने कोई जिक्र ही नहीं किया कि उन पर मौत तारी हुई या नहीं लिहाजा यहां जो है ये मुतवफी का क्या है नींद तारी होना जैसा कि अल्फाल में आया कि गजब बदर में गजब ओहद के अंदर मुसलमानों पर अल्लाह तला ने सुकूनत तारी करने के लिए नींद का गलबा कर दिया था बुखारी में तो अल्फाज हैं हजरत अबू तल्हा कहते हैं कि तलवार पकड़ी होती थी हाथ से छूट जाती थी इतनी नींद आती थी अल्लाह की तरफ से सकीनत क्योंकि नींद उसी वक्त आती है जब इंसान हो फिक्रमंद आदमी को तो नहीं आती नींद तो अल्लाह की तरफ से एक सकीनत नाजिल हुई कुरान में उसका जिक्र है तो वो कहते हैं तलवार भी आज से छूट जाती थी इतना गलबा होता था मैदान जंग में तलवार छूटती है बंदे की जब मौत सामने नजर आ रही हो या आपने मर जाना है या उसने मार देना है आपको या आपने उसको मार देना है तो वो अल्लाह तला की तरफ से एक हैवी मदद तो ये अल्लाह तला की सुनत है नींद को तारी करना और ये नेचुरल भी है एक जिंदा बंदे को चार फरिश्ते एकदम ऐसे से उठाए तो उसका एब्रप्ट रिस्पॉन्स क्या होगा आप जरा खुद सोच सकते हैं तो इसमें महजब तरीका यही है कि उसके ऊपर नींद तारी की जाए जिस तरह साहब कराम पे की और फिर उसी हालत में उसे यूं करके उठा लिया जाए और ये बिल्कुल फिट इन बैठता है वो सुने वो आयत है सूर्य अजुमर की आयत नंबर फोर्टी टू जो मैंने ये बात की थी ना ये तवफी दो मानो में आया है, एक मौत के मानो में और एक नींद के मानो में अल्लाह अल्लाह ही है जो तवफी करता है कब्ज कर लेता है जानों को मौत के वक्त वल्लती लम तमुत फी मनामिहा और जिनकी अभी मौत का वक्त नहीं आया होता तो नींद की हालत में अल्लाह ताला उनकी जान को कब्ज कर लेता है तो दो तवफी कुरान में आ गए ये मैं कुरान से बात करूं बुहारी मुस्लिम तक नहीं गया अल्लाह कहता है एक तवफी है मौत के वक्त और एक तवफी है नींद के वक्त इसी को स्पोर्टिव उदीस है बुखारी और मुस्लिम की नबीलाम जब रात को सोते तो क्या दुआ मांगते हैं अल्लास्मिका अमूतू व आहिया बिस्मी का अमूतू व आहिया भी पढ़ सकते हैं इसमी का अमूतुआ आहिया अल्लाह मैं तेरे नाम पर मरता और जीता हूं यानी सोता और जागता हूं आप ब्रैकेट में देखें लोगों ने तर्जमा यह किया होता है क्योंकि नींद भी मौत की बहन है और फिर बुहारी मुस्लिम की उसी हदीस में है कि जब नबी नबीलाम सुबह उठते तो क्या दुआ करते अल्हमदी अहिया तमाम तारीफें उस अल्लाह के लिए जिसने मौत के बाद हमें दोबारा जिंदा कर दिया तो क्या क्या क़यामत के दिन जिंदा हुए नहीं हर नींद एक मौत है और तो ये कुरान में है अल्लाह यतवफल अनफुस अल्लाह ही तवफी करता है मौत देता है या आप कह लें कि वो कैफियत तारी करता है ले लेता है जान को ही ना मौत मौत के वक्त वल्लती लम तमुत और जिसकी मौत का वक्त नहीं आया होता फी मना उसके सोते में फयम सिकुल्लती कौली हल मऊत फिर अगर अल्लाह ने किसी के लिए मौत मुकदर कर दी होती है तो फिर उसकी जान को अपने पास ही रोक लेता है देखें लोग सोते भी सो जाते हैं दोबारा उठते ही नहीं है लेकिन नींद की हालत में जो ये मौत तारी होती है ना ये वो वाली मौत नहीं है जो रूह कब्ज होने वाली है क्योंकि उसमें तो फिर बंदे ने वापस नहीं आना इसलिए आप इस बंदे को अगर चुटकी काटें सुई चुबो दें फौरन उठ जाता है वो एक रिश्ता अल्लाह तला ने बाकी रखा हुआ है उखरा इला अजल मुसम्मा और बाकियों की जान को अल्लाह तापिस कर देता है एक मुकर्र वक्त तक के लिए जो उनका फाइनल टाइम मौत का आना है तो अल्लाह ताला वो वापस कर देता है बेशक इसके अंदर निशानियां हैं उन लोगों के लिए जो गौरव तफक् करने वाले लोग हैं तो यह कुरान में सूर्य अजुमर की फोर्टी टू में दो तवफ़ियों का जिक्र हुआ एक तवफ़ी है मौत के वक्त दूसरी नींद के वक्त अल्लाह तला जान को कब्ज करता है अब आपको यह समझ आएगा इन्नी मुतवफी का मैं तुझे तवफी दूंगा नींद दूंगा व राइलिया और अपने पास उठा लूंगा और यह तर्जमा क्यों करना पड़ रहा है क्योंकि दूसरी जगह में सूर्य के अंदर कितनी वाज आयात हैं अल्लाह तला, तला फरमा रहे और फिर बाद में वमा कतलूहू यकीन बर्राफा हुआ हुई नहीं बल्कि अल्लाह तला ने उनको अपने पास उठा लिया तो यह बिल्कुल वाज़े हो गया कि यह तवफी हुई है नींद की हालत में जो मैं पहले आपको बता चुका तो मैं उठा लूंगा अपनी तरफ तुझे व मुतािरु का मिनल लदीन लफरू और मैं तुझे पाक कर दूंगा उन लोगों से जो कुफर करने वाले हैं यानी रसूलों को अल्लाह ने बचाना होता है मैं तुम्हें बचा लूंगा जान तबाऊ कफीन कफरु इला यू मिल्कयामा और जो तेरी पैरवी करने वाले होंगे खावो नाम ने हाथ भी हुए क्रिश्चियंस या मुसलमान मैं उन्हें फोकियत दूंगा इला यो मिल्कयामा क्या मत के दिन तक किन लोगों पर फोकियत दूंगा जिन्होंने तेरा इनकार किया जूस का तुम्मा इलाया मर जी रुकुम उसके बाद तुमने मेरी तरफ पलट कर आना है फुमा बई न कुम फी मा कुम तुम फी ही तख्तलिफून तो मैं तुम्हारे दरमियान वो फैसला कर दूंगा जिस मामले में तुम झगड़ा करते हो यह आयत वाज बता रही है कि हजरत ईसब ने मरियम के जो गुस्ताख हैं जो उनसे कुफर की रविश अख्तियार करने वाले लोग हैं अल्लाह तबारक ताला उनके ऊपर गलबा देगा क्रिश्चियंस को भी और मुस्लिम्स को भी क्योंकि दो ही हैं जो ईसा अपने मरियम को मानते हैं क्रिश्चियंस और <स्षिश्टी> मुस्लिम्स जूस तो उनके इनकार ही है और ये देखें ये ऐसा यूनिवर्सल ट्रूथ है कि जो आज तक कायम है कभी भी जूस को इन पर गलबा नहीं मिला पहले क्रिश्चियंस के ऊपर गालिब रहे टाइटस ने हमला किया और ये आखिरी भी जो हिटलर भी था ये भी क्रिश्चियन ही था और मुसलमानों के पास तो ये यह ये सारा मामला रहा हमेशा गलबा रहा आज भी गलबा मुसलमानों और क्रिश्चियंस का ही है और ये जो गलबा है ये क्रिश्चियंस की स्पोर्ट की वजह से हुआ है थोड़ा बहुत जो यहूदियों का है और इसका जिक्र भी अल्लाह ने कुरान में कर दिया था लेकिन इस जगह पर नहीं किया ताकि अल्लाह तला का कोई छोटा सा क्लिप काटे कि अल्लाह तू ने तो कहा था कि हमेशा Christians और मुसलमान ही गालिब रहेंगे तो ये तो यहूदी गालिब कैसे हो गए तो क्लिप तो कटता है इधर से जिस तरह हमारे भी एक लेक्चर में से क्लिप काट लेते हैं हर जगह नहीं क्लियर कर लेकिन अल्लाह तला ने दूसरी जगह इस चीज को क्लियर कर दिया हुआ है और वो है आयत नंबर वन इमरान की बोरीबत यहूदियों के लिए अब जिल्लत है जहां कहीं भी ये होंगे इनके लिए जिल्लत अल्लाह ने मुकदर कर दी है इल्ला सवा इसके कि अल्लाह ताला ही कभी इनका कोई सहारा बन जाए आजमाइश के तौर पर वह हबलिन या लोग इनको सहारा दे दें और वो लोग सहारा कौन देते हैं कभी मुसलमान सहारा दे देते हैं अपनी गलत पॉलिसीज की वजह से और कभी क्रिश्चियंस क्रिश्चन व बाबि मिनल्ला और वो अल्लाह के गजब के हकदार ही रहेंगे मस्कना और मोहताजी जो है वो उनके ऊपर थोंप दी गई है वतनी थोंप दी गई है डायस्पोरा कब का शुरू हुआ हुआ है अभी तक मुकम्मल नहीं हुआ अगरचे 1917 में थोड़ा सांस मिला इन्हें बाल फॉर डिक्लेन के बाद जो जाइनिस्ट मूवमेंट कामयाब हुई फिर 1948 में फिर नाइनटीन में ये मैं तारीख कई दफा बता चुका हूँ फिलस्तीन वाली कभी अनकान फरून अभी आयात ये इस वजह से कई अल्लाह की आयात का इनकार करते थे अम्बिया अब हक और अम्बिया को ना कतल करते थे जाली का बिमा असौ कानू या आतफरमान भी थे और सरकशी भी किया करते थे और आज तक इनकी सरकशी है और ये सूर्य बनी इसराइल में अल्लाह फरमाया कि अगर तुम्हारी ये सरकशी की रविश खत्म ना हुई मैं फिर तुम पर अजाब भेज दू और अगर तुमने हक कबूल कर लिया तो ठीक है लेकिन रविश नहीं छोड़ी इसी वजह से टाइटस के जरिए जाब आया और फिर हिटलर के जरिए जॉब आया और अभी आखिरी की इस्तबाकी है ईसा अपने मरियम के जरिए इल्ला ये कि ये हक हाँ कबूल कर लें तो ये अल्लाह तला का फैसला है तो जो मुखालिफ होते हैं ना वो भी अल्लाह तला ही मुसलत होने देता है ना हम हिटलर को कंडेम करते हैं उसने गलत किया जिस तरह के यौरोलम की ईंट से ईट बजा दी थी बुद्धप्रस्तों ने जिसका जिक्र कुरान में मौजूद है सूरह बनी सैल के पहले रुकू में दोनों ही काफिर थे जिन्होंने यरूशलेम के साथ ये किया और वहां पे अंबिया के मानने वाले थे उस वक्त वो मुसलमान थे जब तक ईसा ने मरियम का उन्होंने इनकार नहीं किया लेकिन फिर अल्लाह तला ने उनके ऊपर ये जाप का कोड़ा और अल्लाह ने काफिरों को कहा कि हमने अपने बंदे मुसलत किए हालांकि वो काफिर थे लेकिन अल्लाह तलाब इसी तरीके से करता है ना मुसलमानों के ऊपर भी ये तकलीफ आई है फिर के जरिए भी आई यानी लोनियन पावर्स के जरिए भी आई है और तातारियों के जरिए भी आई है यहां पे भी दो अजाब के कोड़े पड़े हैं मुसलमानों के ऊपर बहरल ये वो अकीदा था जो हयात मसीह और नजूल मसीह से मुतिक था नजूल मसीह से मुतल एक और मकाम भी है कुरान में वो सूर अज़ुख़रुफ़ है जिसमें अल्लाह तला ने तफसील के साथ ईसा अब मरियम का जिक्र किया आयत नंबर फिफ्टी सेवन से ऑनवर्ड और अब वो आयात आप खुद पढ़ लीजिएगा अगर मैंने उन्हें तफसील से बयान किया तो उसमें कई एक टॉपिक्स और खुलेंगे फिर मेरी आदत यह है कि कोई एक मैं चीज खोल लू तो फिर मैं उसको ब्रीफ करता हूं बहरहल उसमें सेंटर में जाके एक आयत आती है उस आयत के शुरू में भी ईसाब ने मरियम का जिक्र है बाद में भी ईसाब ने मरियम का जिक्र है लिहाजा ये बिल्कुल फिट न कि ईसैब ने मरियम के बारे में है स्टार्ट तो इससे हुआ वलमा गोरी बबनू मरियम इधा कौमु का मिनहू या सिद्धून यहां से ऑनवर्ड चलते हुए ईसा ने मरियम की अल्लाह ने तारीफ बयान की है जो उनके बारे में गलत अकायद थे उसका रद्द करते हुए अल्लाह ने फरमाया हुआ इन न और बेशक ईसा जो है वो क्यामत की खबर है ये हु की जमीन जरा ईसा ने मरियम की तरफ जा रही है जिनका जिक्र है फला तम तर बिहा तो देखना इसमें शक न करना व तबून और मेरे पैरोकार बनना हादसा मुस्तकीम यही है सीधा रास्ता फिर इसके बाद फिर ईसा ईसाब मरियम का जिक्र हुआ है लिहाजा ये किसी और शख्सियत के बारे में नहीं ईसीबन मरियम के बारे में बाल लोग जो नहीं मानना चाहते वो कहते हैं नबी इस्लाम का जिक्र इस्लाम का जिक्र इसमें कहीं नहीं है इस्लाम दावत दे रहे हैं ईसाबन मरियम के हवाले से अपने मुखालफिन को और इस आयत के कॉन्टेक्स्ट में अलमस्तदिल हाकिम में मुस् इमाम अहमद में सही इबन अबान में इबन अब्बास का कॉल मौजूद है कॉल भी है और नबीलाम से मरफून उन्होंने रवायत भी की है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये जो आयत है वह इन के बेशक ईसा मरियम जो है ये क्यामत की खबर है ये ईसाब ने मरियम के दोबारा दुनिया में आने से मुतल है ये हदीस में भी आ गया इसके कॉन्टेक्ट में इस आयत की तशरी मैंने हदीस से भी बयान कर दी अब चंद एक इश्कालात जो मैं वैसे इसमें डिस्कस तो कर चुका हूं लेकिन मैं उसे एक जगह जमा कर देता हूं एक तो ये सवाल होता है कि दुनिया में दोबारा क्यों आएंगे वो मैंने आपको क्लियर कर दिया कि उनकी हर चीज ही मौजाना है पैदाइश भी मां की गोद में एलान नबूत भी और उनके मोजात भी मुर्दों को जिंदा करना भी मट्टी की मूर्त में फूंक मारना और उसका परिंदा बन जाना हर चीज ही मौजा है अव्वल तो आखिर मौजा आती है तो यह भी उनके लिए एक अल्लाह ने मुआवजा रख दिया कि अल्लाह ने उन्हें जिंदा आसमानों पे उठा लिया अच्छा दूसरा एक खदम नबूत के वाले से जो एक वसफसा देते थे वो एक्सेप्शन मैंने आपको बता दी कि कुरान में तो वाज आया है कि जो मर गया वापस नहीं आएगा दुनिया में सूर्य यासीन में सूर्य अलवाकिया में लेकिन फिर भी ईसा ने वरीम का मुर्दों को जिंदा करना क्या कुरान की आयत को वायलेट कर देगा हम क्या कहेंगे ये एक्सेप्शन है भाई खत्म नबूत हो चुकी है उसके बावजूद अबू दाऊद में हाकिम में हदीस है मिशकात में में भी के हर साल में एक मुजद आएगा जो दीन की तजदीद करेगा तो वो जो मुजद्दीद आ रहा है तो क्या वो नया दीन पेश कर रहा है नहीं जो खुराफात दाखिल हो चुकी है उनकी तजदीद करेगा दीन वही है जो नबी नबीम के ऊपर मुकम्मल हो चुका और एक और चीज वो कहते हैं कि जी आने का मकसद क्या है वो भी मैंने आपको बता दिया कि यहूदियों पर अजाब का आखिरी कोड़ा आना है अब इसके कि उन्होंने अभी तक अपनी वो रविश नहीं छोड़ी अच्छा यहां पे एक और चीज भी जो मैंने सूर्य आल इमरान की आयत नंबर फिफ्टी फाइव के कॉन्टेक्स्ट में जो ईसा अपने मरियम के बारे में अल्लाह तला ने फरमाया ना नी मुतवी का बाद लोग बुखारी से एक रवायत लेके आते हैं जिसकी सनद कोई नहीं है वो एक चैप्टर की हेडिंग में है बेसनत बास का कौल है कि वो इसका तर्जमा ममीतू का करते थे कि जी यहां पर जो है वो मोमीतू का मुराद है मुतवफ़ी का और उसकी सनद कोई नहीं है ये जितने मुनकरीन हदीस है इनका मसला यह है कि इन्हें आप कुरान बुखारी मुस्लिम से भी कोई चीज पेश करें इनकार कर देंगे और अपने मतलब की चीज कोई बेसनत भी रिवायत आएगी ना वो जो इनके किसी बड़े ने घड़ी होगी ठीक है ना उसको ला के पेश कर रहे होंगे ये इनका वतीर है क्योंकि ये असल में हकबाद को कबूल नहीं करना चाहते हैं पता होता है इनको वन तुम तालमून तरह यहूदी उलमा को भी पता था कि वो क्या कर रहे हैं कि उनकी किताबों में प्रोफिस मौजूद है नहीं माना उन्होंने तो ये कहना कि इबन अबास ने कहा कि इबनबा से तो वो साबित ही नहीं भाई ये मामला इस हवाले से क्लियर हो गया और एक और चीज जो कादियानी पेश करते हैं कि ईस एब ने मरियम और इमाम महदी एक ही पर्सनैलिटी के दो नाम है तो यह बिल्कुल गलत है इस हवाले से जो इबन माजा की रवायत पेश की जाती है बिल्कुल जाली रवायत है किसी मुहदस ने उस रवायत को एक्सेप्ट नहीं किया कि ईसाब ने मरियम ही महदी है और अगर इसको रवायत को किसी ने सही भी मानना है तो इन मानों में है कि महदी तो वो है हर अल्लाह का पैगंबर माहदी होता है वो इमाम मादी जो है वो अलग से एक पर्सनैलिटी है ईसा अब अलग से एक पर्सनैलिटी है इमाम मादी दुनिया पे इस्लाम का गलबा करेंगे लेकिन जब दाल आएगा ना वो इतना इतना बड़ा है कि वो इमाम मादी के काबू नहीं आएगा उसके लिए फिर बड़ी पर्सनैलिटी चाहिए फिर ईसा अबन वरीम उतरेंगे और फिर लीडरशिप उनके हवाले हो जाएगी और फिर वह आदिल हुक्मरान होंगे वही चालीस साल तक रहेंगे इससे मुतल अब जो अहादीस है वह मैं बयान कर देता हूं बारह अहदीस पहली हदीस बुहारी और मुस्लिम दोनों में मौजूद है जो मैंने पहले भी बयान की कसम है उस जात की जिसके कब्जे कुदरत में मेरी जान है ईसा ने मरियम तुम में आदिल हुक्मरान की हैसियत से उतरेंगे सलीब को तोड़ देंगे खनजीर को कत्ल कर देंगे जिजिया मौकूफ कर देंगे यानी सब के सब लोग इस्लाम कबूल कर लेंगे और फिर हजरत अबू रैरा कुरान की आयत पढ़ते थे सूरत की कि अहले किताब में से कोई नहीं बचेगा मगर यह कि उनकी मौत से पहले उन पर ईमान ले आएगा दूसरी हदीस भी बुखारी और मुस्लिम दोनों में है तुम्हारी उस वक्त क्या शान होगी जब ईसा इबन मरियम तुम में उतरेंगे और तुम्हारा इमाम तुम में से होगा और उसकी तफसील अगली हदीस में है मुस्लिम शरीफ की नबी इस्लाम ने फरमाया मेरी उम्मत का एक ग्रोह क्या तक हक के लिए किताल करता रहेगा के ईसा इबन मरियम उतरेंगे और मुसलमानों का अमीर उन्हें कहेगा और यह होगा शाम की सरजमीन के अंदर बैतुलमस में ही ये फाइनल सब कुछ वहीं पर जमा होना है आप तो देखें इस टाइम पूरी दुनिया ही बैतुलमकद और शाम को डिस्कस कर रही है इस वक्त तो शाम में बैतुलमकद में उतरेंगे तो मुसलमानों का अमीर उन्हें कहेगा आप हमें नमाज पढ़ाएं आप पैगंबर हैं तो वो कहेंगे कि ये अल्लाह ने तुम्हें सादत दी है कि तुम में से बाज के इमाम होते हैं तो ईसा ने मरियम मुसलमानों के उस हुक्मरान उस अमीर यानी इमाम मोहम्मद महदी के पीछे नमाज पढ़ेंगे चौथी हदीस सही मुस्लिम में है उसमें भी शाम की इस जिहाद का जिक्र है और उसमें अल्फाज ये हैं कि ईसैब ने मरियम जो है वह जब नाजिल होंगे वहां पे दज़ाल को कत्ल करेंगे और बाकी सारी चीजें और उसमें यह है कि मुसलमानों का अमीर उनको दावत देगा और वो मुसलमानों की इमामत करवाएंगे इस हदीस से यह पता चला कि ईसा ने मरियम भी मुसलमानों की इमामत करेंगे बाज मुहदसिन ने कहा कि इमामत करेंगे से मुराद ये कि वो मुसलमानों के अमीर होंगे और उनकी इजाजत से इमामादी नमाज पढ़ाएंगे और बाज ने कहा कि नहीं वो खुद पढ़ाएंगे क्योंकि इसमें अल्फाज हैं कि वो इमामत करेंगे तो ईसाब ने मरियम भी बाद में नवाजे पढ़ाएंगे ओवरऑल इमारत उनके सपुर्द हो जाएगी पांचवी हदीस के इस्लाम ने फरमाया कि क्यामत की दस निशानियां हैं उनमें से द का आना भी है मगरब से सूरज का निकलना भी है पांचवीं निशानी जो बयान फरमाई नजूल ईसअ न मरियमा सल्ला वसलम और ईसा अब मरियम सल्ह वसलम नजूल करेंगे यहां पर नबी सल्हु वसलम ने ईसा के नाम के साथ खुद कहा सल्ला लिहाजा ये दुरूशरी मोहदसिन ने नहीं घड़ा बल्कि नबीसलाम ने खुद तालीम फरमाया छठी हदीस जो है ना मुस्लिम शरीफ की यह बड़ी तफसली हदीस है सबसे ज्यादा तफसी हदीस यही वाली है मुस्लिम शरीफ की सेवन थ्री सेवन थ्री नंबर हदीस जिसमें है कि दो जर्द चादरें ओढ़े हुए ईसा ने मरियम दशक के मशर की मीनार के पास उतरेंगे दो फरिश्तों के सहारे और फिर वो द जाल को कत्ल करेंगे द जाल उनके सांस की वजह से पिघलेगा मुकाम लुध के ऊपर जहां पे इसराइल ने बहुत बड़ा एयरपोर्ट बना लिया है वहीं पे वो द जाल को कत्ल करेंगे हो सकता है भाग रहा हो वहां से कोई त्यारा लेके अपना तो ईसाइब ने मरियम पीछे से पहुंच जाए बहरल वो लुद्ध पे बहुत बड़ा एयरपोर्ट है सबसे ज्यादा मसरूफ एयरपोर्ट जो है ना वो लुद्ध गांव में है वो तो खैर अब गांव के अब तो बहुत बड़ा सिटी बन चुका है वहां पे वो उसको कत्ल कर देंगे ये हदीस इसमें फिर याजूज माजूज का भी जिक्र है कि उसके बाद याजूज माजूज का फितना जाहिर होगा फिर वो अजरत ईसीब ने मरियम की दुआ से अल्लाह ताला उन्हें हलाक करेगा एक बीमारी में मुब्तला करके उन, उसकी उनकी गर्दनों में कीड़े कोई वायरसिस या कोई ऐसा मामला होगा बहर वो हलाक हो जाएंगे और उसके बाद फिर इस्लाम का गलबा होगा इसी हदीस में आता है और फिर ईसीबन मरियम दुनिया से चले जाएंगे फिर दोबारा से कुफर की तरफ इंसानियत लौट जाएगी हती कि एक खुशबूदार हवा चलेगी सारे मुसलमानों को अल्लाह तला अपने पास बुला लेगा सिर्फ काफिर दुनिया में रह जाएंगे जो एलानिया बदकारी करेंगे जानवरों की तरह और फिर अल्लाह तला सब के ऊपर क्यामत को तारी कर देगा ये वो तफसीली हदीस है वो आप खुद पढ़ लीजिएगा जिससे शौक है ना मुस्लिम शरीफ में सबसे ज्यादा तफसीली अहादीस है उर्ब क्यामत की जो एंड ऑफ टाइम के पॉइंट ऑफ व्यू से हैं चाहे वो नजूल ईसा से मुतल हों चाहे वह धजाल से मुतल हों आलमोस्ट एक सौ चालीस अदादी हैं सिर्फ इसी टॉपिक पे और मुस्लिम शरीफ बुखारी शरीफ और बाकी हदीस की किताबों के कंबाइंड नोट्स मिशकात के अंदर आपको ऑलमोस्ट साठ के करीब हदीस मिल जाएंगी आखिरी चैप्टर के अंदर जो डबलिंग है वो उन्होंने छोड़ दी इस वजह से वो तादाद कम है अदरवाइज वो मुस्लिम शरीफ से भी ज्यादा डिटेल्ड चैप्टर है इस हवाले से क्योंकि बाकी बुखारी से भी अपने माजा से भी अब उदउ से भी रवायतें उसमें मौजूद है वह दो चैप्टर जो है वह आप पढ़ लें खुद पी डी एफ हमारी वेबसाइट से डाउनलोड कर लें सही मुस्लिम के चैप्टर और मसाबी का तो आपको सारी हदीस मिल जाएंगी सातवीं हदीस वो भी सही मुस्लिम के अंदर है कि जब द जाल दुनिया में उतरेगा तो वो फिर चालीस दिन तक रहेगा वैसे रावी कहते हैं मुझे याद नहीं कि वो चालीस साल है या चालीस बाकी रिवायतों में चालीस दिन का जिक्र है उसमें से पहला दिन एक साल का होगा दूसरा दिन जो है वह एक महीने का तीसरा एक हफ्ते का और फिर नॉर्मल दिन होंगे साहबा ने कहा कि हम नमाजों का क्या करेंगे आपने फरमाया अंदाजा मुक्र कर लेना यानी वही टाइम टेबल जो इस वक्त नॉर्थ और साउथ पोल पे भी टाइम टेबल के मुताबिक चलते हैं ना तो वो हो जाएगा इन और फिर नबील इस्लाम ने फरमाया कि वो उर्वा इब्ने मसूद जो मेरे साहबी हैं इनकी वो हम शक्ल हैं घुंगरेले बाल और जाग एज है तैंतीस साल की उम्र है शादी भी नहीं हुई भी तो तैतीस साल की उम्र तो इतनी बड़ी उम्र तो नहीं है आठवीं हदीस भी सही मुस्लिम में है कि ईसा अमन मरियम उतरेंगे और उसके बाद वो रावी हदीस कहते हैं इस बात के ऊपर कि जो नबीसलाम ने फरमाया कि तुम्हारा इमाम तुम में से होगा तो वो कहते हैं कि वो इमाम से मुराद यानी वो तुम्हें अल्लाह की किताब और उसके नबी की सुन्नत के मुताबिक चलाएंगे यानी इमाम यानी जिसकी पैरवी की जाती है तो इमाम इन मानों में भी है एक इमाम माधी वाले मानों में भी है और इस माने में भी इमाम आया कि वो तुम्हें अल्लाह की किताब और उसके नबी की सुन्नत के मुताबिक चलाएंगे ये सही मुस्लिम में मौजूद है अलबत् फिका अनफी वालों ने शेख अहमद सरंदी ने जिसे ये मुजद लफसानी कहते हैं उसने अपने मकतूबा में लिखा है कि वो फिका अनफी के मुताबिक अमल करेंगे तो फिर उन्हें शर्म आई उन्होंने कहा नहीं उनका इजहास जो है ना वो इमाम मुनीफा से मिल जाएगा यार अंदाजा करो ये मतलब इमाम मुनीफा के अंडर ही देना चाहते हैं हजरत ईसाब ने मरियम को और फिर वो कहते हैं कि बिल फर्ज अगर इस उम्मत में कोई नबी होता तो वो भी फिका अनफी के मुताबिक अमल करता अंदाजा करें फिका अनफी के साथ जो अभी तक हो चुकी है और बाद में जो कुछ होनी है ठीक है इमाम उनीफा के साथ नहीं फिका अनफी के साथ तो इस तरह के वो उसकी अपनी क्रेडिबिलिटी क्या है उसने खुद अपने आप को कहा मैं हजार साल का मुझे दे दू जब किसी ने कहा कोई दलील दे तो उसने कहा दलील यह है कि जो फर्क सौ और हजार में होता है ना वही सौ साल के मुजद और हजार साल के मुजद में होता है भाई सौ साल के मुजद का जिक्र तो अबू दाऊद में हाके में मौजूद था हजार साल का मुजद तो कहीं जिक्र नहीं हुआ खुद से क्लेम कर दिया और फिर उस बंदे ने यहां पर अपनी जुबान नहीं रोकी फिर उसने कहा कि मैं अल्लाह से उम्मीद करता हूं कि जो अल्लाह ने मुझे कमलात दिए हैं ना उसका बहुत सा हिस्सा इमाम मादी को भी अल्लाह ताला दे, दे देगा ये नहीं वो कहना माधी ने जाए कोई नहीं हाँ और ये वो हैं जिसको देवबंदी बरेलवी और बाज अहल भी मुजद अलफानी कहते हैं एक हजार साल का मुजद हमारे उस्ताद डॉक्टर इसरार साहब भी एक तरफ बेचारे कहते हैं तो मैं अख्तलाफी मौजूद पे उम्मी हूं और दूसरी तरफ वो अख्तलाफी मौजूद के ऊपर ये कुछ भी कर जाते थे वो भी उनकी वो बड़ी तारीफ बयान करते हैं ये कुछ उन्होंने किया हुआ है और ये उनके अपने मकतूबा हैं उनके मानने वालों ने छापे में ये मैंने नहीं उनकी तरफ मनसूख किए उस बंदे के दावे देखे और मुस्लिम शरीफ अगर उसने पढ़ी होती तो कभी जुरत ना करता वो यही कहता कि किताबुल्ला और सुन्नत के मुताबिक चलाएंगे नौवीं हदीस सुन नसाई के अंदर मौजूद है ये बड़ी मशहूर हदीस है गजब हिंद वाली दो तरह के गुरु हैं जिनको अल्लाह तला ने निजात दे दी है एक वो जो हिंद में जिहाद करेंगे अब ये गजबा हिंद महमूद गजमी वाला हाफ सईसा वाला नहीं है एक क्या वाला है और क्योंकि होगा उससे पहले और दूसरा जो ईसा इब के साथी होंगे उनको भी अल्लाह ने निजात दे दी है यह हदीसाई में मौजूद है दसवीं हदीस सन्न इबन माजा में है और मुस्द अहमद के अंदर है कि इस्लाम कहते हैं महराज की रात जब मेरी मुलाकात हुई हजरत इब्राहिम से मूसा से तो मैंने दोनों से क्यामत के मुतालिक डिस्कशन की कि क्यामत के बारे में मुझे बताएं कि कब आएगी तो दोनों ने कहा कि हमें कुछ इल्म नहीं है आप ई साब ने मरियम से पूछे तो कहते हैं जब ई साब ने मरियम से मेरी मुलाकात हुई तो ईसीब ने मरियम ने मुझसे कहा कि क्यामत का तो मुझे नहीं पता कब आएगी अलबत्त जब क्यामत आने वाली होगी तो उससे पहले मैं दुनिया में नाजिल हूंगा और दाल को कतल करूंगा और वो सारा जो तफसील है वो उसके अंदर मौजूद है या जूझ मां का भी जिक्र उसमें मौजूद है वो आप हदीस पढ़ लीजिएगा नंबर मैं इसलिए बता रहा हूं इन हम इमेजेस भी डिस्प्ले करा देंगे ताकि ये कोई ना कहे कि जी मुझे पता नहीं चला मैं खुद पढ़ लेता तो आप पढ़ लीजिएगा ग्यारह नंबर हदीस सुनबी दऊद में है और मुस्द अहमद के अंदर भी मौजूद है नबी इस्लाम ने फरमाया कि तमाम अंबिया जो है वो आपस में भाई हैं लेकिन ईसाब ने मरियम और मेरे दरमियान कोई और नबी नहीं है उनके साथ तो मेरा खास रिश्ता है क्योंकि ये फतरत का पीरियड है यानी हमारे दरमियान कोई और पैगंबर नहीं आया फिर इस्लाम ने कहा कि ईसा अपने मरियम कुरबे के में नाजिल होंगे द जाल को कतल कर देंगे सलीब तोड़ देंगे वही सारे अल्फाज बुखारी मुस्लिम में आए इसमें आगे अल्फाज हैं कि वह चालीस साल तक दुनिया में रहेंगे और फिर एंड पे मुसलमान उनका जनाजा पढ़ के उन्हें दफनाएंगे लेकिन ये नहीं इसमें मौजूद कि कहां पर दफनाएंगे वो आखिरी हदीस बारह नंबर जो तिरमजी में मौजूद है और मिशकात के अंदर अब्दुल्ला इब्ने सलाम जो एक यहूदी थे और बाद में मुसलमान हुए यहूदी आलिम थे और सहाबी बने वो कहते हैं कि तौरात में जो मोहम्मद वसल्लम के बारे में तारीफें लिखी हैं उनमें से एक ये है कि ईसा इब्ने मरियम जब दुनिया में दोबारा आएंगे तो वो फोत होने के बाद मोहम्मद वसल्लम की कब्र अतर के साथ दफनाए जाएंगे ये तिरमजी के अल्फाज हैं और वो रावी अबू कहते हैं एक कबर की जगह अभी भी बाकी है और वाकई बाकी है मैंने जो कब्र रसूल का तारुफ करवाया था ना उसमें मैंने आपको बताया था ना कि नबीस्लाम को यू दफनाया गया ना आपका चेहरा अतर जो है वो किबला रुख है तो आपके ऑलमोस्ट नाफ की सीध में आपके पीछे बकर की कबर है और हजरत की नाफ की सीध में हजरत उमर की कबर है यानी ये यूं चलती है जब ये यूं चलती है तो यहां एक कबर की जगह खाली हो जाती है और वहीं अपने मरियम को दफन किया जाएगा तो मैंने कोशिश की है कि सारे टॉपिक कोवरऑल कवर कर दूं आखिर में मैं उसी हदीस के ऊपर कंक्लूड करता हूं जो बुखारी और मुस्लिम दोनों में मौजूद है कि कुर्ब क्यामत में जब ईसा मरियम आएंगे और मुसलमान और यहूदी आपस में कताल करेंगे तो अगर किसी दरख्त या पत्थर के पीछे भी कोई यहूदी छुपा हो तो वह दरख्त और पत्थर भी बोलेगा ए मुस्लिम मेरे पीछे यहूदी है इसे कत्ल कर दे ये मैदान जंग की बात है आम हालत में नहीं है सवाए हरकत के दरख्त के क्योंकि वो यहूदियों का दरख्त है वो उन्हें बना देगा तो मैं मुसलमानों को भी दावा देता हूं कि उस दिन से पहले कि आपको या मुस्लिम कह के कोई दरख्त या पत्थर पुकारे और आप ये समझें कि इंजीनियर साहब की कोई वीडियो पीछे चल रही है क्योंकि हम तो ब्रेलवी देवबंदी हैं हम तो मुस्लिम नहीं हैं ये बात करें तो ये गुस्सा खाते हैं तो इन्हें के अगर हो तो मस्जिद में क्यों नहीं लिखते हो मुस्लिम और उससे बड़ी बात आप इनके सामने ये आपसे पूछे ना आप कौन है आप कहें के, मैं मुस्लिम हूं तो इतना घुसा खाते हैं कहते हैं मैं काफर लेकिन इनके सामने आप कहते हैं ना मैं ब्रेलवी हूं तो अगला बंदा कहेगा हां मैं देवबंदी हूं मुस्लिम लफ्ज से ही चिड़ देंगे तो इससे पहले कि आपको वो दरख्त या पत्थर यहूदी के खिलाफ किताल के लिए उभारे या मुस्लिम कह के और आपको पता ही ना चले कि किसे बुलाया जा रहा है उससे पहले पहले आप ये नारे हक बुलंद कर दें कि ना मैं भाभी ना मैं भाभी मैं हूं मुस्लिम इल्मी किताबी हाँ यानी इल्म और किताबुल्ला और सुन्नत के मुताबिक चलने वाला मुस्लिम ये कोई फिरके का नाम नहीं है और इसकी बुनियाद पे जो ये इस तरह का हंगामा खड़ा करते हैं भाई फिरकों की चंदा बुक होती है मदारिस होते हैं उनके बाबे होते हैं सबसे बड़ी बात वो ये कहते हैं बाकी सारे जहनवी हैं हम जनती हैं हम तो भाई तुम्हें मुसलमान समझते हैं तुम्हारे पीछे नमाजें पढ़ते हैं मस्जिद भी लादा नहीं बनाई देख लेंगे हमने कितनी समझदारी से इस दावत को लॉन्च किया है कि कोई एक गाली जो फिरकों वाली है ना ये हमें दे नहीं सकते सबसे बड़ी चीज ये थी ना कहते हैं चंदा इकट्ठा करते हैं ऐसे करता है और मेरे तो YouTube के चैनल की मोनेटाइजेशन की वीडियो एड्स की कमाई इतनी है कि मैं तुम्हारे सारे मौलवी जो है ना एक महीने में खरीद लूं अगर ये करना चाहता मैं तो मुझे किसी चंदा लेने की जरूरत ही नहीं थी मैंने वो वीडियो एड्स ऑन नहीं किए मैं तो तुम लोगों के चंदों का क्या लेना देना खैर ये एक मैंने चूंकि एक मॉरल लेसन भी हासिल होता है और दूसरा मरने से पहले ऐ मुसलमा कर ले इस पे गौर किताबों का खुदा और है बाबों का खुदा और एक वो दीन है जो किताबों में आया एक वो है जो बाबों ने बताया अगरचे बाबे भी इसी खुदा रसूल के मानने वाले थे लेकिन उन्होंने अपनी तालीमात दी है और उसका रिजल्ट आपके सामने है तो हमारा ये नारा इसीलिए बुलंद हुआ है कि मेरे ना भी ईसा है कोई नहीं तेरे बाबे थे मोहम्मद मुहम्मद اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وأصحاب محمد وأزواج محمد وأمة محمد أجمعين إلى يوم الدين آمين اللهم إني أسألك بأنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم ألف لام ميم الله لا إله إلا هو الحي القيوم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا اللهم ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وانثانا اللهم من احييته منا فاحيه على الاسلام ومن توفيته منا فتوفه على الايمان अल्लाह जिन जिन भलाइयों का सवाल तेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि सल्लम ने तुर से किया हमारे हक में हमारे माँ बाप के हक़ में बीवी बच्चों के हक में पूरी उम्मत के हक़ में कबुल मंजूर फरमा जिन जिन चीज़ों के शर से तेरे महबूब ने तेरी बनात तलब की तमाम मुसलमानों को उन चीज़ों के शर से अपनी पना अता फरमा खसूस फ़लस्तीन कश्मीर इंडिया चाइना यमन इराक़ शाम अफ़ग़ानिस्तान जहां कहीं भी मुसलमान कसपुरसी की जिंदगी गुजार रहे हैं। गैब से उनकी इज्जत अब्रूजान माल की हिफाजत फरमा खसूस बिलखसूस हमारे फलस्तिन के मुसलमानों पर रहम करम फरमा अल्लाह उन्हें उनके मुखालफिन यूद नसारा के जो मज़ालिम उठाने पड़ रहे हैं गैब से उनके लिए कोई इज्जत वाला मामला उनकी मदद वाला मामला फरमा दे हमारे मुसलमान हुक्मरानों को यह गैरत दे अह कि अपने मुसलमान भाइयों की मदद के लिए अपना किरदार अदा कर सकें अल्लाह हजरीन के जो छोटे बड़े रिश्तेदार फोत हो चुके हैं उनकी मफ़रत फरमा जो भी मान है उन्हें शिफात फरमा और जो जिंदा है उन्हें, उन्हें मरने से पहले अपनी आखरत की तैयारी करने की तोफ़ी फरमा सुबह का अम्मा रब्ज़त वहमीन करीमी